हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं, जैसे कि फिल्म का डेवलपमेंट, कास्टिंग, फिल्मिंग, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और सोशल मीडिया पर इस फिल्म को किसने कितनी रेटिंग दी और इस फिल्म के बारे में उनका क्या कहना है, और फिर लास्ट में फिल्म कब थिएटर्स में रिलीज होंगी और फिर किस OTT प्लेटफॉर्म पर किस तारीख को आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगी। ये सब डिटेल्स मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मार्शल एटली द्वारा निर्देशित 2017 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिन्होंने भी विजेंद्र प्रसाद और यस रमना क्रीवासन के साथ फिल्म का सहलेखन किया था। स्टूडियो के सोवे फीचर फिल्म निर्माण में तेंदल स्टूडियो लिमिटेड द्वारा निर्मित फिल्म में विजय और यश कहानी दो भाइयों के इर्द गिर्द घूमती है। एक अपने माता पिता की मृत्यु के चिकित्सा अपराधियों का बदला लेने वाला एक जादूगर है और दूसरा एक प्रतिष्ठित डॉक्टर है जो अपने रोगियों से मामूली रकम वसूलता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय ट्रिपल रोल में है, वित्रीमारन एक गांव का पहलवान और वेंट्री ऐश्वर्या और वेंट्रीमारन के छोटे बेटे, डॉक्टर वी मारन ऐश्वर्या और वित्रीमारन के बड़े बेटे हैं, यस जे सूर्या डेनियल और किया राज के रूप में हैं, DCP रत्नावेल रेड्डी के रूप में सत्यराज ओडिवेल ओडियू के रूप में हैं, वही नित्या मेनन ऐश्वर्या IC वित्रीमारन के रूप में हैं और अनु पल्लवी के रूप में काजल अग्रवाल, सामंथा रूथ प्रभु तारा के रूप में हैं। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो विजय के साथ इटली की थेरी की रिलीज के बाद इस जोड़ी को सितंबर 2016 में एक और प्रोजेक्ट के लिए श्री थिनांडल फिल्म्स द्वारा साइन किया गया था। प्रारंभ में रिपोर्ट सामने आई कि थेरी के साथ के बाद एटली महेश बाबू को निर्देशित करेंगे और पिछले 7 महीनों से स्क्रिप्ट विकसित कर रहे थे जो नहीं हुआ। इस तरह विजय को भी थिनांडल फिल्म्स द्वारा निर्मित संगमित्रा के लिए साइन किया जा रहा था, लेकिन फिल्म के रूप में शेड्यूल के 250 दिनों की मांग की जिसे वह बहन नहीं कर सके। उन्होंने विनम्रता से इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो फिल्म ने कथित तौर पर तमिलनाडु में 120 करोड़, केरल में 16 करोड़, कर्नाटक में 13 करोड़ और भारत के बाकी हिस्सों में 15 करोड़, घरेलू स्तर पर 164 करोड़ और 260 करोड़ की कमाई की थी पूरे दुनिया भर में। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो द टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रधान संपादक एम सुगंध ने फिल्म को 5 में से 3.5 रेटिंग दी और कहा, मार्शल के साथ हमें इस साल की सबसे आकर्षक मास मसाला फिल्म मिली है, हीरो फुल फॉर्म में है जिसे विजय फिल्म में है, चीजें कैसे अलग हो सकती है। बात करें मूवी के थिएटरिकल रिलीज के बारे में तो मार्शल को पहले 29 सितंबर 2017 को थिएटर्स के रूप में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि शंकर की 2.0 जो दिवाली 18 अक्टूबर 2017 को रिलीज होने वाली थी, व्यापक दृश्य प्रभाव के कारण देरी हुई।
निर्माताओं ने फिल्म को रिलीज करने का फैसला किया। वह तारीख 16 अक्टूबर 2017 को फिल्म को AWBI से NOC मिलने के बाद कुछ कट्स के साथ CBFC से UA सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ था। बात करें मूवी के होममेड के बारे में, तो जुलाई 2017 में टेलीविजन प्रसार अधिकार जी तमिल को 30 करोड़ में बेचे गए थे। 14 जनवरी 2018 को थाई पोंगल उत्सव के अवसर पर फिल्म का वैश्विक टेलीविजन प्रीमियर हुआ था। तेलुगु और मलयालम डब संस्करण के उपग्रह अधिकार क्रमश स्टारमान और एशिया नेट द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। बाद में उदिया टीवी ने मायागर नामक फिल्म के कन्नड़ डब संस्करण के अधिकारों का अधिग्रहण किया और 13 सितंबर 2020 को अपने चैनल के माध्यम से इसका प्रीमियर किया। यह नेटफ्लिक्स और Z5 सन NXT के माध्यम से डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है। मतलब आप इस फिल्म को इस प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन देख सकते हैं। और हॉटस्टार 13 मार्च 2022 को फिल्म के हिंदी डब संस्करण का सीधे डिंचक टीवी चैनल नाम पर प्रिय का प्रीमियर किया गया था। मार्शल एटली द्वारा निर्देशित 2017 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिन्होंने भी विजेंद्र प्रसाद और यस रमना क्रीवासन के साथ फिल्म का सहलेखन किया था। स्टूडियो के 100वें फीचर फिल्म निर्माण में तिंदल स्टूडियो लिमिटेड द्वारा निर्मित फिल्म में विजय और यस कहानी दो भाइयों के इर्द गिर्द घूमती है। एक अपने माता पिता की मृत्यु के चिकित्सा अपराधियों का बदला लेने वाला एक जादूगर है और दूसरा एक प्रतिष्ठित डॉक्टर है जो अपने रोगियों से मामूली रकम वसूलता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो विजय ट्रिपल रोल में है, वित्रीमारन एक गांव का पहलवान और वेंट्री ऐश्वर्या और वेंट्रीमारन के छोटे बेटे, डॉक्टर वी मारन ऐश्वर्या और वित्रीमारन के बड़े बेटे हैं, यस जे सूर्या डेनियल और किया राज के रूप में हैं, DCP रत्नावेल रेड्डी के रूप में सत्यराज ओडिवेला ओडियू के रूप में हैं, वही नित्या मेनन ऐश्वर्या IC वित्रीमारन के रूप में हैं और अनुपल्लवी के रूप में काजल अग्रवाल, सामंथा रूथ प्रभु तारा के रूप में। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो विजय के साथ इटली की थेरी की रिलीज के बाद इस जोड़ी को सितंबर 2016 में एक और प्रोजेक्ट के लिए श्री थिनांडल फिल्म्स द्वारा साइन किया गया था। प्रारंभ में रिपोर्ट सामने आई कि थेरी के साथ के बाद इटली महेश बाबू को निर्देशित करेंगे और पिछले 7 महीनों से स्क्रिप्ट विकसित कर रहे थे जो नहीं हुआ। इस तरह विजय को भी थिनंदल फिल्म्स द्वारा निर्मित संगमित्रा के लिए साइन किया जा रहा था, लेकिन फिल्म के रूप में शेड्यूल के 250 दिनों की मांग की जिसे वह बहन नहीं कर सके। उन्होंने विनम्रता से इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो फिल्म ने कथित तौर पर तमिलनाडु में 120 करोड़, केरल में 16 करोड़,
कर्नाटक में 13 करोड़ और भारत के बाकी हिस्सों में 15 करोड़, घरेलू स्तर पर 164 करोड़ और 260 करोड़ की कमाई की थी पूरे दुनिया भर में। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो द टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रधान संपादक एम सुगंध ने फिल्म को 5 में से 3.5 रेटिंग दी और कहा, मार्शल के साथ हमें इस साल की सबसे आकर्षक मसाला फिल्म मिली है। हीरो फुल फॉर्म में है जिसे विजय फिल्म में है, चीज़ें कैसे अलग हो सकती है। बात करें मूवी के थिएटरिकल रिलीज के बारे में तो मार्शल को पहले 29 सितंबर 2017 को थिएटर्स के रूप में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि शंकर की 2.0 जो दिवाली 18 अक्टूबर 2017 को रिलीज होने वाली थी, व्यापक दृश्य प्रभाव के कारण देरी हुई। निर्माताओं ने फिल्म को रिलीज करने का फैसला किया। वह तारीख 16 अक्टूबर 2017 को फिल्म को AWBI से NOC मिलने के बाद कुछ कट्स के साथ CBFC से UA सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ था। बात करें मूवी के होममेड के बारे में तो जुलाई 2017 में टेलीविजन प्रसार अधिकार जी तमिल को 30 करोड़ में बेचे गए थे। 14 जनवरी 2018 को थाई पोंगल उत्सव के अवसर पर फिल्म का वैश्विक टेलीविजन प्रीमियर हुआ था। तेलुगु और मलयालम डब संस्करण के उपग्रह अधिकार क्रमश स्टारमान और एशिया नेट द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। बाद में उदिया टीवी ने मायागर नामक फिल्म के कन्नड़ डब संस्करण के अधिकारों का अधिग्रहण किया और 13 सितंबर 2020 को अपने चैनल के माध्यम से इसका प्रीमियर किया। यह नेटफ्लिक्स और Z5 सन NXT के माध्यम से डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है, मतलब आप इस फिल्म को इस प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन देख सकते हैं। और हॉटस्टार 13 मार्च 2022 को फिल्म के हिंदी डब संस्करण का सीधे डिंचक टीवी चैनल नाम पर प्रिय का प्रीमियर किया गया था। मार्शल एटली द्वारा निर्देशित 2017 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिन्होंने भी विजेंद्र प्रसाद और यस रमना क्रीवासन के साथ फिल्म का सहलेखन किया था। स्टूडियो के 100वें फीचर फिल्म निर्माण में तेंदल स्टूडियो लिमिटेड द्वारा निर्मित फिल्म में विजय और यश कहानी दो भाइयों के इर्द गिर्द घूमती है। एक अपने माता पिता की मृत्यु के चिकित्सक अपराधियों का बदला लेने वाला एक जादूगर है और दूसरा एक प्रतिष्ठित डॉक्टर है जो अपने रोगियों से मामूली रकम वसूलता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय ट्रिपल रोल में है, वित्रीमारन एक गांव का पहलवान और वेंट्री ऐश्वर्या और वेंट्रीमारन के छोटे बेटे, डॉक्टर वी मारन ऐश्वर्या और वित्रीमारन के बड़े बेटे हैं। यस जे सूर्या डेनियल और किया राज के रूप में हैं, DCP रत्नावेल रेड्डी के रूप में सत्यराज ओडिवेल ओडियू के रूप में हैं, वही नित्या मेनन ऐश्वर्या आईसी वित्रीमारन के रूप में हैं और अनुपल्लवी के रूप में काजल अग्रवाल, सामंता रूथ प्रभु तारा के रूप में। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो
विजय के साथ इटली की थेरी की रिलीज के बाद इस जोड़ी को सितंबर 2016 में एक और प्रोजेक्ट के लिए श्री थिनांडल फिल्म्स द्वारा साइन किया गया था। प्रारंभ में रिपोर्ट सामने आई कि थेरी के साथ के बाद एटली महेश बाबू को निर्देशित करेंगे और पिछले 7 महीनों से स्क्रिप्ट विकसित कर रहे थे, जो नहीं हुआ। इस तरह विजय को भी थिनांडल फिल्म्स द्वारा निर्मित संगमित्रा के लिए साइन किया जा रहा था, लेकिन फिल्म के रूप में शेड्यूल के 250 दिनों की मांग की, जिसे वह बहन नहीं कर सके। उन्होंने विनम्रता से इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो फिल्म ने कथित तौर पर तमिलनाडु में 120 करोड़, केरल में 16 करोड़, कर्नाटक में 13 करोड़ और भारत के बाकी हिस्सों में 15 करोड़, घरेलू स्तर पर 164 करोड़ और 260 करोड़ की कमाई की थी पूरे दुनिया भर में। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में, तो द टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रधान संपादक एम सुगंत ने फिल्म को 5 में से 3.5 रेटिंग दी और कहा, मार्शल के साथ हमें इस साल की सबसे आकर्षक मसाला फिल्म मिली है। हीरो फुल फॉर्म में है, जिसे विजय फिल्म में है, चीज़ें कैसे अलग हो सकती है। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो मार्शल को पहले 29 सितंबर 2017 को थिएटर्स के रूप में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि शंकर की 2.0 जोन दिवाली 18 अक्टूबर 2017 को रिलीज होने वाली थी, व्यापक दृश्य प्रभाव के कारण देरी हुई। निर्माताओं ने फिल्म को रिलीज करने का फैसला किया। वह तारीख 16 अक्टूबर 2017 को फिल्म को AWBI से NOC मिलने के बाद कुछ कट्स के साथ CBFC से UA सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ था। बात करें मूवी के होममेड के बारे में, तो जुलाई 2017 में टेलीविजन प्रसार अधिकार जी तमिल को 30 करोड़ में बेचे गए थे। 14 जनवरी 2018 को थाई पोंगल उत्सव के अवसर पर फिल्म का वैश्विक टेलीविजन प्रीमियर हुआ था। तेलुगु और मलयालम डब संस्करण के उपग्रह अधिकार क्रमश स्टारमान और एशिया नेट द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। बाद में उदिया टीवी ने मायागर नामक फिल्म के कन्नड़ डब संस्करण के अधिकारों का अधिग्रहण किया और 13 सितंबर 2020 को अपने चैनल के माध्यम से इसका प्रीमियर किया। यह नेटफ्लिक्स और Zee5 सन NXT के माध्यम से डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है, मतलब आप इस फिल्म को इस प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन देख सकते हैं। और हॉटस्टार 13 मार्च 2022 को फिल्म के हिंदी डब संस्करण का सीधे निंचक टीवी चैनल नाम पर प्रिय का प्रीमियर किया गया था। मार्शल इटली द्वारा निर्देशित 2017 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिन्होंने भी विजेंद्र प्रसाद और यश रमना ग्रीवासन के साथ फिल्म का सहलेखन किया था। स्टूडियो के 100वें फीचर फिल्म निर्माण में तेंदल स्टूडियो लिमिटेड द्वारा निर्मित फिल्म में विजय और यश कहानी दो भाइयों के इर्द गिर्द घूमती है।
एक अपने माता पिता की मृत्यु के चिकित्सा अपराधियों का बदला लेने वाला एक जादूगर है और दूसरा एक प्रतिष्ठित डॉक्टर है जो अपने रोगियों से मामूली रकम वसूलता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय ट्रिपल रोल में है, वित्रीमारन एक गांव का पहलवान और वेंट्री ऐश्वर्या और वेंट्रीमारन के छोटे बेटे डॉक्टर वी मारन ऐश्वर्या और वित्रीमारन के बड़े बेटे हैं। यस जे सूर्या डेनियल और कियाराज के रूप में हैं। डीसीपी रत्नावेल रेड्डी के रूप में सत्यराज ओडिवेला ओडियू के रूप में हैं। वही नित्या मेनन ऐश्वर्या आईसी वित्रीमारन के रूप में हैं और अनुपल्लवी के रूप में काजल अग्रवाल, सामंथा रूथ प्रभु तारा के रूप में हैं। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो विजय के साथ इटली की थेरी की रिलीज के बाद इस जोड़ी को सितंबर 2016 में एक और प्रोजेक्ट के लिए श्री थिनांडल फिल्म्स द्वारा साइन किया गया था। प्रारंभ में रिपोर्ट सामने आई कि थेरी के साथ के बाद एटली महेश बाबू को निर्देशित करेंगे और पिछले 7 महीनों से स्क्रिप्ट विकसित कर रहे थे जो नहीं हुआ। इस तरह विजय को भी थिनांडल फिल्म्स द्वारा निर्मित संगमित्रा के लिए साइन किया जा रहा था लेकिन फिल्म के रूप में शेड्यूल के 250 दिनों की मांग की जिसे वह बहन नहीं कर सके। उन्होंने विनम्रता से इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो फिल्म ने कथित तौर पर तमिलनाडु में 120 करोड़, केरल में 16 करोड़, कर्नाटक में 13 करोड़ और भारत के बाकी हिस्सों में 15 करोड़, घरेलू स्तर पर 164 करोड़ और 260 करोड़ की कमाई की थी पूरे दुनिया भर में। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो द टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रधान संपादक एम सुगंध ने फिल्म को 5 में से 3.5 रेटिंग दी और कहा, मार्शल के साथ हमें इस साल की सबसे आकर्षक मास मसाला फिल्म मिली है। हीरो फुल फॉर्म में है जिसे विजय फिल्म में है, चीज़ें कैसे अलग हो सकती है। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो मार्शल को पहले 29 सितंबर 2017 को थिएटर्स के रूप में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि शंकर की 2.0 जोन दिवाली 18 अक्टूबर 2017 को रिलीज होने वाली थी, व्यापक दृश्य प्रभाव के कारण देरी हुई। निर्माताओं ने फिल्म को रिलीज करने का फैसला किया। वह तारीख 16 अक्टूबर 2017 को फिल्म को AWBI से NOC मिलने के बाद कुछ कट्स के साथ CBFC से UA सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ था। बात करें मूवी के होममेड डे के बारे में तो जुलाई 2017 में टेलीविजन प्रसार अधिकार जी तमिल को 30 करोड़ में बेचे गए थे। 14 जनवरी 2018 को थाई पोंगल उत्सव के अवसर पर फिल्म का वैश्विक टेलीविजन प्रीमियर हुआ था। तेलुगु और मलयालम डब संस्करण के उपग्रह अधिकार क्रमश स्टारमान और एशिया नेट द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। बाद में उदिया टीवी ने मायागर नामक फिल्म के कन्नड़ डब संस्करण के अधिकारों का अधिग्रहण किया और
13 सितंबर 2020 को अपने चैनल के माध्यम से इसका प्रीमियर किया। यह नेटफ्लिक्स और Z5 सन NXT के माध्यम से डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है, मतलब आप इस फिल्म को इस प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन देख सकते हैं। और हॉटस्टार 13 मार्च 2022 को फिल्म के हिंदी डब संस्करण का सीधे डिंचक टीवी चैनल नाम पर प्रिय का प्रीमियर किया गया था। मार्शल एटली द्वारा निर्देशित 2017 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिन्होंने भी विजेंद्र प्रसाद और यस रमना क्रीवासन के साथ फिल्म का सहलेखन किया था। स्टूडियो के 100वें फीचर फिल्म निर्माण में तिंदल स्टूडियो लिमिटेड द्वारा निर्मित फिल्म में विजय और यश कहानी दो भाइयों के इर्द गिर्द घूमती है। एक अपने माता पिता की मृत्यु के चिकित्सा अपराधियों का बदला लेने वाला एक जादूगर है और दूसरा एक प्रतिष्ठित डॉक्टर है जो अपने रोगियों से मामूली रकम वसूलता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय ट्रिपल रोल में है, वित्रीमारन एक गांव का पहलवान और वेंट्री ऐश्वर्या और वेंट्रीमारन के छोटे बेटे, डॉक्टर वी मारन ऐश्वर्या और वित्रीमारन के बड़े बेटे हैं, यस जे सूर्या डेनियल और किया राज के रूप में हैं, DCP रत्नावेल रेड्डी के रूप में सत्यराज ओडिवेला ओडियू के रूप में हैं, वही नित्या मेनन ऐश्वर्या IC वित्रीमारन के रूप में हैं और अनुपल्लवी के रूप में काजल अग्रवाल, सामंथा रूथ प्रभु तारा के रूप में। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो विजय के साथ इटली की थेरी की रिलीज के बाद इस जोड़ी को सितंबर 2016 में एक और प्रोजेक्ट के लिए श्री थिनांडल फिल्म्स द्वारा साइन किया गया था। प्रारंभ में रिपोर्ट सामने आई कि थेरी के साथ के बाद इटली महेश बाबू को निर्देशित करेंगे और पिछले 7 महीनों से स्क्रिप्ट विकसित कर रहे थे जो नहीं हुआ। इस तरह विजय को भी थिनांडल फिल्म्स द्वारा निर्मित संगमित्रा के लिए साइन किया जा रहा था, लेकिन फिल्म के रूप में शेड्यूल के 250 दिनों की मांग की जिसे वह बहन नहीं कर सके। उन्होंने विनम्रता से इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो फिल्म ने कथित तौर पर तमिलनाडु में 120 करोड़, केरल में 16 करोड़, कर्नाटक में 13 करोड़ और भारत के बाकी हिस्सों में 15 करोड़, घरेलू स्तर पर 164 करोड़ और 260 करोड़ की कमाई की थी पूरे दुनिया भर में। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो द टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रधान संपादक एम सुगंध ने फिल्म को 5 में से 3.5 रेटिंग दी और कहा, मार्शल के साथ हमें इस साल की सबसे आकर्षक मसाला फिल्म मिली है, हीरो फुल फॉर्म में है जिसे विजय फिल्म में है, चीज़ें कैसे अलग हो सकती है। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो मार्शल को पहले 29 सितंबर 2017 को थिएटर्स के रूप में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि शंकर की 2.0 जो दिवाली
18 अक्टूबर 2017 को रिलीज होने वाली थी। व्यापक दृश्य प्रभाव के कारण देरी हुई। निर्माताओं ने फिल्म को रिलीज करने का फैसला किया। वह तारीख 16 अक्टूबर 2017 को फिल्म को AWBI से NOC मिलने के बाद कुछ कट्स के साथ CBFC से UA सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ था। बात करें मूवी के होममेड के बारे में, तो जुलाई 2017 में टेलीविजन प्रसार अधिकार जी तमिल को 30 करोड़ में बेचे गए थे। 14 जनवरी 2018 को थाई पोंगल उत्सव के अवसर पर फिल्म का वैश्विक टेलीविजन प्रीमियर हुआ था। तेलुगु और मलयालम डब संस्करण के उपग्रह अधिकार क्रमश स्टारमान और एशिया नेट द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। बाद में उदिया टीवी ने मायागर नामक फिल्म के कन्नड़ डब संस्करण के अधिकारों का अधिग्रहण किया और 13 सितंबर 2020 को अपने चैनल के माध्यम से इसका प्रीमियर किया। यह नेटफ्लिक्स और Zee5 सन NXT के माध्यम से डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है। मतलब आप इस फिल्म को इस प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन देख सकते हैं। और हॉटस्टार 13 मार्च 2022 को फिल्म के हिंदी डब संस्करण का सीधे डिंचक टीवी चैनल नाम पर प्रीमियर किया गया था। मार्शल एटली द्वारा निर्देशित 2017 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिन्होंने भी विजेंद्र प्रसाद और यस रमना क्रीवासन के साथ फिल्म का सहलेखन किया था। स्टूडियो के 100वें फीचर फिल्म निर्माण में तेंदल स्टूडियो लिमिटेड द्वारा निर्मित फिल्म में विजय और यस कहानी दो भाइयों के इर्द गिर्द घूमती है। एक अपने माता पिता की मृत्यु के चिकित्सा अपराधियों का बदला लेने वाला एक जादूगर है और दूसरा एक प्रतिष्ठित डॉक्टर है जो अपने रोगियों से मामूली रकम वसूलता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो विजय ट्रिपल रोल में है। वित्रीमारन एक गांव का पहलवान और वेंट्री ऐश्वर्या और वेंट्रीमारन के छोटे बेटे डॉक्टर वी मारन ऐश्वर्या और वित्रीमारन के बड़े बेटे हैं। यस जे सूर्या डेनियल और किया राज के रूप में हैं। DCP रत्नावेल रेड्डी के रूप में सत्यराज ओडिवेल ओडियू के रूप में हैं। वही नित्या मेनन ऐश्वर्या IC वित्रीमारन के रूप में हैं और अनु पल्लवी के रूप में काजल अग्रवाल सामंता रूथ प्रभु तारा के रूप में। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो विजय के साथ इटली की थेरी की रिलीज के बाद इस जोड़ी को सितंबर 2016 में एक और प्रोजेक्ट के लिए श्री थिनांडल फिल्म्स द्वारा साइन किया गया था। प्रारंभ में रिपोर्ट सामने आई कि थेरी के साथ के बाद इटली महेश बाबू को निर्देशित करेंगे और पिछले 7 महीनों से स्क्रिप्ट विकसित कर रहे थे जो नहीं हुआ। इस तरह विजय को भी थिनंदल फिल्म्स द्वारा निर्मित संगमित्रा के लिए साइन किया जा रहा था, लेकिन फिल्म के रूप में शेड्यूल के 250 दिनों की मांग की, जिसे वह बहन नहीं कर सके। उन्होंने विनम्रता से इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो
फिल्म ने कथित तौर पर तमिलनाडु में 120 करोड़, केरल में 16 करोड़, कर्नाटक में 13 करोड़ और भारत के बाकी हिस्सों में 15 करोड़, घरेलू स्तर पर 164 करोड़ और 260 करोड़ की कमाई की थी पूरे दुनिया भर में। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो द टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रधान संपादक एम सुगंत ने फिल्म को 5 में से 3.5 रेटिंग दी और कहा, मार्शल के साथ हमें इस साल की सबसे आकर्षक मास मसाला फिल्म मिली है। हीरो फुल फॉर्म में है जिसे विजय फिल्म में है, चीजें कैसे अलग हो सकती है। बात करें मूवी के थिएटरिकल रिलीज के बारे में तो मार्शल को पहले 29 सितंबर 2017 को थिएटर्स के रूप में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि शंकर की 2.0 जो दिवाली 18 अक्टूबर 2017 को रिलीज होने वाली थी, व्यापक दृश्य प्रभाव के कारण देरी हुई। निर्माताओं ने फिल्म को रिलीज करने का फैसला किया और तारीख 16 अक्टूबर 2017 को फिल्म को AWBI से NOC मिलने के बाद कुछ कट्स के साथ CBFC से UA सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ था। बात करें मूवी के होममेड के बारे में तो जुलाई 2017 में टेलीविजन प्रसार अधिकार जी तमिल को 30 करोड़ में बेचे गए थे। 14 जनवरी 2018 को थाई पोंगल उत्सव के अवसर पर फिल्म का वैश्विक टेलीविजन प्रीमियर हुआ था। तेलुगु और मलयालम डब संस्करण के उपग्रह अधिकार क्रमश स्टारमान और एशिया नेट द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। बाद में उदिया टीवी ने मायागर नामक फिल्म के कन्नड़ डब संस्करण के अधिकारों का अधिग्रहण किया और 13 सितंबर 2020 को अपने चैनल के माध्यम से इसका प्रीमियर किया। यह नेटफ्लिक्स और Z5 सन NXT के माध्यम से डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है, मतलब आप इस फिल्म को इस प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन देख सकते हैं। और हॉटस्टार 13 मार्च 2022 को फिल्म के हिंदी डब संस्करण का सीधे निंचक टीवी चैनल नाम पर प्रिय का प्रीमियर किया गया था। मार्शल एटली द्वारा निर्देशित 2017 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिन्होंने भी विजेंद्र प्रसाद और यस रमना ग्रीवासन के साथ फिल्म का सहलेखन किया था। स्टूडियो के 100वें फीचर फिल्म निर्माण में तिंदल स्टूडियो लिमिटेड द्वारा निर्मित फिल्म में विजय और यस कहानी दो भाइयों के इर्द गिर्द घूमती है। एक अपने माता पिता की मृत्यु के चिकित्सा अपराधियों का बदला लेने वाला एक जादूगर है और दूसरा एक प्रतिष्ठित डॉक्टर है जो अपने रोगियों से मामूली रकम वसूलता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय ट्रिपल रोल में है, वित्रीमारन एक गांव का पहलवान और वेंट्री ऐश्वर्या और वेंट्रीमारन के छोटे बेटे डॉक्टर वी मारन ऐश्वर्या और वित्रीमारन के बड़े बेटे हैं। यस जे सूर्या डेनियल और किया राज के रूप में हैं। DCP रत्नावेल रेड्डी के रूप में सत्यराज ओडिवेल ओडियू के रूप में हैं। वही नित्या मेनन ऐश्वर्या IC वित्रीमारन के रूप में हैं और अनुपल्लवी के रूप में काजल अग्रवाल
सामंथा रूथ प्रभु तारा के रूप में है। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो विजय के साथ इटली की थेरी की रिलीज के बाद इस जोड़ी को सितंबर 2016 में एक और प्रोजेक्ट के लिए श्री थिनांडल फिल्म्स द्वारा साइन किया गया था। प्रारंभ में रिपोर्ट सामने आई कि थेरी के साथ के बाद एटली महेश बाबू को निर्देशित करेंगे और पिछले 7 महीनों से स्क्रिप्ट विकसित कर रहे थे जो नहीं हुआ। इस तरह विजय को भी थिनांडल फिल्म्स द्वारा निर्मित संगमित्रा के लिए साइन किया जा रहा था, लेकिन फिल्म के रूप में शेड्यूल के 250 दिनों की मांग की जिसे वह बहन नहीं कर सके। उन्होंने विनम्रता से इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो फिल्म ने कथित तौर पर तमिलनाडु में 120 करोड़ केरल में 16 करोड़ कर्नाटक में 13 करोड़ और भारत के बाकी हिस्सों में 15 करोड़ घरेलू स्तर पर 164 करोड़ और 260 करोड़ की कमाई की थी पूरे दुनिया भर में। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो द टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रधान संपादक एम सुगंध ने फिल्म को 5 में से 3.5 रेटिंग दी और कहा, मार्शल के साथ हमें इस साल की सबसे आकर्षक मसाला फिल्म मिली है। हीरो फुल फॉर्म में है जिसे विजय फिल्म में है, चीज़ें कैसे अलग हो सकती है। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो मार्शल को पहले 29 सितंबर 2017 को थिएटर्स के रूप में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि शंकर की 2.0 जोन दिवाली 18 अक्टूबर 2017 को रिलीज होने वाली थी, व्यापक दृश्य प्रभाव के कारण देरी हुई। निर्माताओं ने फिल्म को रिलीज करने का फैसला किया। वह तारीख 16 अक्टूबर 2017 को फिल्म को AWBI से NOC मिलने के बाद कुछ कट्स के साथ CBFC से UA सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ था। बात करें मूवी के होममेड के बारे में तो जुलाई 2017 में टेलीविजन प्रसार अधिकार जी तमिल को 30 करोड़ में बेचे गए थे। 14 जनवरी 2018 को थाई पोंगल उत्सव के अवसर पर फिल्म का वैश्विक टेलीविजन प्रीमियर हुआ था। तेलुगु और मलयालम डब संस्करण के उपग्रह अधिकार क्रमश स्टारमान और एशिया नेट द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। बाद में उदिया टीवी ने मायागर नामक फिल्म के कन्नड़ डब संस्करण के अधिकारों का अधिग्रहण किया और 13 सितंबर 2020 को अपने चैनल के माध्यम से इसका प्रीमियर किया। यह नेटफ्लिक्स और Z5 सन NXT के माध्यम से डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है, मतलब आप इस फिल्म को इस प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन देख सकते हैं। और हॉटस्टार 13 मार्च 2022 को फिल्म के हिंदी डब संस्करण का सीधे निंचक टीवी चैनल नाम पर प्रिय का प्रीमियर किया गया था। मार्शल इटली द्वारा निर्देशित 2017 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिन्होंने भी विजेंद्र प्रसाद और यस रमना ग्रीवासन के साथ फिल्म का सहलेखन किया था। स्टूडियो के 100वें फीचर फिल्म निर्माण में तिंदल स्टूडियो लिमिटेड द्वारा निर्मित फिल्म में विजय और
यस कहानी दो भाइयों के इर्द गिर्द घूमती है। एक अपने माता पिता की मृत्यु के चिकित्सक अपराधियों का बदला लेने वाला एक जादूगर है और दूसरा एक प्रतिष्ठित डॉक्टर है जो अपने रोगियों से मामूली रकम वसूलता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय ट्रिपल रोल में है, वित्री मारन एक गांव का पहलवान और वेंट्री ऐश्वर्या और वेंट्री मारन के छोटे बेटे, डॉक्टर वी मारन ऐश्वर्या और वित्री मारन के बड़े बेटे हैं, एस जे सूर्या डेनियल और किया राज के रूप में है, डीसीपी रत्नावेल रेड्डी के रूप में सत्यराज ओडिवेला ओडियू के रूप में है, वही नित्या मेनन ऐश्वर्या आईसी वित्रीमारन के रूप में है और अनुपल्लवी के रूप में काजल अग्रवाल, सामंथा रूथ प्रभु तारा के रूप में है। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो विजय के साथ इटली की थेरी की रिलीज के बाद इस जोड़ी को सितंबर 2016 में एक और प्रोजेक्ट के लिए श्री थिनांडल फिल्म्स द्वारा साइन किया गया था। प्रारंभ में रिपोर्ट सामने आई कि थेरी फेज 7 के बाद इटली महेश बाबू को निर्देशित करेंगे और पिछले 7 महीनों से स्क्रिप्ट विकसित कर रहे थे जो नहीं हुआ। इस तरह विजय को भी थिनांडल फिल्म्स द्वारा निर्मित संगमित्रा के लिए साइन किया जा रहा था, लेकिन फिल्म के रूप में शेड्यूल के 250 दिनों की मांग की जिसे वह वहन नहीं कर सके। उन्होंने विनम्रता से इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो फिल्म ने कथित तौर पर तमिलनाडु में 120 करोड़, केरल में 16 करोड़, कर्नाटक में 13 करोड़ और भारत के बाकी हिस्सों में 15 करोड़, घरेलू स्तर पर 164 करोड़ और 260 करोड़ की कमाई की थी पूरे दुनिया भर में। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो द टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रधान संपादक एम सुगंध ने फिल्म को 5 में से 3.5 रेटिंग दी और कहा, मार्शल के साथ हमें इस साल की सबसे आकर्षक मसाला फिल्म मिली है। हीरो फुल फॉर्म में है जिसे विजय फिल्म में है, चीज़ें कैसे अलग हो सकती है। बात करें मूवी के थिएटरिकल रिलीज के बारे में तो मार्शल को पहले 29 सितंबर 2017 को थिएटर्स के रूप में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि शंकर की 2.0 जो दिवाली 18 अक्टूबर 2017 को रिलीज होने वाली थी, व्यापक दृश्य प्रभाव के कारण देरी हुई। निर्माताओं ने फिल्म को रिलीज करने का फैसला किया। वह तारीख 16 अक्टूबर 2017 को फिल्म को AWBI से NOC मिलने के बाद कुछ कट्स के साथ CBFC से UA सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ था। बात करें मूवी के होममेड के बारे में तो जुलाई 2017 में टेलीविजन प्रसार अधिकार जी तमिल को 30 करोड़ में बेचे गए थे। 14 जनवरी 2018 को थाई पोंगल उत्सव के अवसर पर फिल्म का वैश्विक टेलीविजन प्रीमियर हुआ था। तेलुगु और मलयालम डब संस्करण के उपग्रह अधिकार क्रमश स्टारमान और एशिया नेट द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। बाद में उदिया टीवी ने मायागर नामक फिल्म के कन्नड़
डब संस्करण के अधिकारों का अधिग्रहण किया और 13 सितंबर 2020 को अपने चैनल के माध्यम से इसका प्रीमियर किया। यह नेटफ्लिक्स और Z5 सन NXT के माध्यम से डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है, मतलब आप इस फिल्म को इस प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन देख सकते हैं। और हॉटस्टार 13 मार्च 2022 को फिल्म के हिंदी डब संस्करण का सीधे डिंचक टीवी चैनल नाम पर प्रिय का प्रीमियर किया गया था। मार्शल एटली द्वारा निर्देशित 2017 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिन्होंने भी विजेंद्र प्रसाद और यस रमना क्रीवासन के साथ फिल्म का सहलेखन किया था। स्टूडियो के 100वें फीचर फिल्म निर्माण में तेंदल स्टूडियो लिमिटेड द्वारा निर्मित फिल्म में विजय और यस कहानी दो भाइयों के इर्द गिर्द घूमती है। एक अपने माता पिता की मृत्यु के चिकित्सक अपराधियों का बदला लेने वाला एक जादूगर है और दूसरा एक प्रतिष्ठित डॉक्टर है जो अपने रोगियों से मामूली रकम वसूलता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय ट्रिपल रोल में है, वित्रीमारन एक गांव का पहलवान और वेंट्री ऐश्वर्या और वेंट्रीमारन के छोटे बेटे डॉक्टर वी मारन ऐश्वर्या और वित्रीमारन के बड़े बेटे हैं। यस जे सूर्या डेनियल और किया राज के रूप में हैं, DCP रत्नावेल रेड्डी के रूप में सत्यराज ओडिवेल ओडियू के रूप में हैं, वही नित्या मेनन ऐश्वर्या आईसी वित्रीमारन के रूप में हैं और अनुपल्लवी के रूप में काजल अग्रवाल, सामंता रूथ प्रभु तारा के रूप में। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो विजय के साथ इटली की थेरी की रिलीज के बाद इस जोड़ी को सितंबर 2016 में एक और प्रोजेक्ट के लिए श्री थिनांडल फिल्म्स द्वारा साइन किया गया था। प्रारंभ में रिपोर्ट सामने आई कि थेरी के साथ के बाद इटली महेश बाबू को निर्देशित करेंगे और पिछले 7 महीनों से स्क्रिप्ट विकसित कर रहे थे जो नहीं हुआ। इस तरह विजय को भी थिनांडल फिल्म्स द्वारा निर्मित संगमित्रा के लिए साइन किया जा रहा था, लेकिन फिल्म के रूप में शेड्यूल के 250 दिनों की मांग की जिसे वह बहन नहीं कर सके। उन्होंने विनम्रता से इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो फिल्म ने कथित तौर पर तमिलनाडु में 120 करोड़, केरल में 16 करोड़, कर्नाटक में 13 करोड़ और भारत के बाकी हिस्सों में 15 करोड़, घरेलू स्तर पर 164 करोड़ और 260 करोड़ की कमाई की थी पूरे दुनिया भर में। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो द टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रधान संपादक एम सुगंत ने फिल्म को 5 में से 3.5 रेटिंग दी और कहा, मार्शल के साथ हमें इस साल की सबसे आकर्षक मास मसाला फिल्म मिली है, हीरो फुल फॉर्म में है जिसे विजय फिल्म में है, चीज़ें कैसे अलग हो सकती है। बात करें मूवी के थिएटरिकल रिलीज के बारे में तो मार्शल को पहले 29 सितंबर 2017 को थिएटर्स के रूप में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था।
हालांकि शंकर की 2.0 जोन दिवाली 18 अक्टूबर 2017 को रिलीज होने वाली थी, व्यापक दृश्य प्रभाव के कारण देरी हुई। निर्माताओं ने फिल्म को रिलीज करने का फैसला किया। वह तारीख 16 अक्टूबर 2017 को फिल्म को AWBI से NOC मिलने के बाद कुछ कट्स के साथ CBFC से UA सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ था। बात करें मूवी के होममेड डे के बारे में, तो जुलाई 2017 में टेलीविजन प्रसार अधिकार जी तमिल को 30 करोड़ में बेचे गए थे। 14 जनवरी 2018 को थाई पोंगल उत्सव के अवसर पर फिल्म का वैश्विक टेलीविजन प्रीमियर हुआ था। तेलुगु और मलयालम डब संस्करण के उपग्रह अधिकार क्रमश स्टारमान और एशिया नेट द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। बाद में उदिया टीवी ने मायागर नामक फिल्म के कन्नड़ डब संस्करण के अधिकारों का अधिग्रहण किया और 13 सितंबर 2020 को अपने चैनल के माध्यम से इसका प्रीमियर किया। यह नेटफ्लिक्स और Zee5 सन NXT के माध्यम से डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है, मतलब आप इस फिल्म को ही इस प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन देख सकते हैं। और हॉटस्टार 13 मार्च 2022 को फिल्म के हिंदी डब संस्करण का सीधे निंचक टीवी चैनल नाम पर प्रिय का प्रीमियर किया गया था। मार्शल एटली द्वारा निर्देशित 2017 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिन्होंने भी विजेंद्र प्रसाद और यश रमना क्रीवासन के साथ फिल्म का सहलेखन किया था। स्टूडियो के 100वें फीचर फिल्म निर्माण में तेंदल स्टूडियो लिमिटेड द्वारा निर्मित फिल्म में विजय और यश कहानी दो भाइयों के इर्द गिर्द घूमती है। एक अपने माता पिता की मृत्यु के चिकित्सा अपराधियों का बदला लेने वाला एक जादूगर है और दूसरा एक प्रतिष्ठित डॉक्टर है जो अपने रोगियों से मामूली रकम वसूलता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो विजय ट्रिपल रोल में है, वित्रीमारन एक गांव का पहलवान और वेंट्री ऐश्वर्या और वेंट्रीमारन के छोटे बेटे डॉक्टर वी मारन ऐश्वर्या और वित्रीमारन के बड़े बेटे हैं। यस जे सूर्या डेनियल और किया राज के रूप में हैं। DCP रत्नावेल रेड्डी के रूप में सत्यराज ओडिवेला ओडियू के रूप में हैं। वही नित्या मेनन ऐश्वर्या IC वित्रीमारन के रूप में हैं और अनुपल्लवी के रूप में काजल अग्रवाल, सामंथा रूथ प्रभु तारा के रूप में। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो विजय के साथ इटली की थेरी की रिलीज के बाद इस जोड़ी को सितंबर 2016 में एक और प्रोजेक्ट के लिए श्री थिनांडल फिल्म्स द्वारा साइन किया गया था। प्रारंभ में रिपोर्ट सामने आई कि थेरी के साथ के बाद इटली महेश बाबू को निर्देशित करेंगे और पिछले 7 महीनों से स्क्रिप्ट विकसित कर रहे थे जो नहीं हुआ। इस तरह विजय को भी थिनंदल फिल्म्स द्वारा निर्मित संगमित्रा के लिए साइन किया जा रहा था, लेकिन फिल्म के रूप में शेड्यूल के 250 दिनों की मांग की, जिसे वह बहन नहीं कर सके। उन्होंने विनम्रता से इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।
बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो फिल्म ने कथित तौर पर तमिलनाडु में 120 करोड़, केरल में 16 करोड़, कर्नाटक में 13 करोड़ और भारत के बाकी हिस्सों में 15 करोड़, घरेलू स्तर पर 164 करोड़ और 260 करोड़ की कमाई की थी पूरे दुनिया भर में। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो द टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रधान संपादक एम सुगंध ने फिल्म को 5 में से 3.5 रेटिंग दी और कहा, मार्शल के साथ हमें इस साल की सबसे आकर्षक मसाला फिल्म मिली है। हीरो फुल फॉर्म में है जिसे विजय फिल्म में है, चीज़ें कैसे अलग हो सकती है। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो मार्शल को पहले 29 सितंबर 2017 को थिएटर्स के रूप में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि शंकर की 2.0 जोन दिवाली 18 अक्टूबर 2017 को रिलीज होने वाली थी, व्यापक दृश्य प्रभाव के कारण देरी हुई। निर्माताओं ने फिल्म को रिलीज करने का फैसला किया और तारीख 16 अक्टूबर 2017 को फिल्म को AWBI से NOC मिलने के बाद कुछ कट्स के साथ CBFC से UA सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ था। बात करें मूवी के होममेड डे के बारे में तो जुलाई 2017 में टेलीविजन प्रसार अधिकार जी तमिल को 30 करोड़ में बेचे गए थे। 14 जनवरी 2018 को थाई पोंगल उत्सव के अवसर पर फिल्म का वैश्विक टेलीविजन प्रीमियर हुआ था। तेलुगु और मलयालम डब संस्करण के उपग्रह अधिकार क्रमश स्टारमान और एशिया नेट द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। बाद में उदिया टीवी ने मायागर नामक फिल्म के कन्नड़ डब संस्करण के अधिकारों का अधिग्रहण किया और 13 सितंबर 2020 को अपने चैनल के माध्यम से इसका प्रीमियर किया। यह नेटफ्लिक्स और Z5 सन NXT के माध्यम से डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है, मतलब आप इस फिल्म को इस प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन देख सकते हैं। और हॉटस्टार 13 मार्च 2022 को फिल्म के हिंदी डब संस्करण का सीधे डिंचक टीवी चैनल नाम पर प्रिय का प्रीमियर किया गया था। मार्शल एटली द्वारा निर्देशित 2017 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिन्होंने भी विजेंद्र प्रसाद और यस रमना क्रीवासन के साथ फिल्म का सहलेखन किया था। स्टूडियो के 100वें फीचर फिल्म निर्माण में तिंदल स्टूडियो लिमिटेड द्वारा निर्मित फिल्म में विजय और यस कहानी दो भाइयों के इर्द गिर्द घूमती है। एक अपने माता पिता की मृत्यु के चिकित्सा अपराधियों का बदला लेने वाला एक जादूगर है और दूसरा एक प्रतिष्ठित डॉक्टर है जो अपने रोगियों से मामूली रकम वसूलता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय ट्रिपल रोल में है, वित्रीमारन एक गांव का पहलवान और वेंट्री ऐश्वर्या और वेंट्रीमारन के छोटे बेटे डॉक्टर वी मारन ऐश्वर्या और वित्रीमारन के बड़े बेटे हैं। यस जे सूर्या डेनियल और किया राज के रूप में है, DCP रत्नावेल रेड्डी के रूप में सत्यराज ओडिवेला ओडियू के रूप में है, वही नित्या मेनन ऐश्वर्या आईसी वित्रीमारन के रूप में है और
अनुपल्लवी के रूप में काजल अग्रवाल, सामंथा रूथ प्रभु तारा के रूप में। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो विजय के साथ इटली की थेरी की रिलीज के बाद इस जोड़ी को सितंबर 2016 में एक और प्रोजेक्ट के लिए श्री थिनांडल फिल्म्स द्वारा साइन किया गया था। प्रारंभ में रिपोर्ट सामने आई कि थेरी के साथ के बाद एटली महेश बाबू को निर्देशित करेंगे और पिछले 7 महीनों से स्क्रिप्ट विकसित कर रहे थे जो नहीं हुआ। इस तरह विजय को भी थिनांडल फिल्म्स द्वारा निर्मित संगमित्रा के लिए साइन किया जा रहा था, लेकिन फिल्म के रूप में शेड्यूल के 250 दिनों की मांग की जिसे वह बहन नहीं कर सके। उन्होंने विनम्रता से इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो फिल्म ने कथित तौर पर तमिलनाडु में 120 करोड़, केरल में 16 करोड़, कर्नाटक में 13 करोड़ और भारत के बाकी हिस्सों में 15 करोड़, घरेलू स्तर पर 164 करोड़ और 260 करोड़ की कमाई की थी पूरे दुनिया भर में। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो द टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रधान संपादक एम सुगंध ने फिल्म को 5 में से 3.5 रेटिंग दी और कहा, मार्शल के साथ हमें इस साल की सबसे आकर्षक मसाला फिल्म मिली है। हीरो फुल फॉर्म में है जिसे विजय फिल्म में है, चीज़ें कैसे अलग हो सकती है। बात करें मूवी के थिएटरिकल रिलीज के बारे में तो मार्शल को पहले 29 सितंबर 2017 को थिएटर्स के रूप में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि शंकर की 2.0 जो दिवाली 18 अक्टूबर 2017 को रिलीज होने वाली थी, व्यापक दृश्य प्रभाव के कारण देरी हुई। निर्माताओं ने फिल्म को रिलीज करने का फैसला किया। वह तारीख 16 अक्टूबर 2017 को फिल्म को AWBI से NOC मिलने के बाद कुछ कट्स के साथ CBFC से UA सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ था। बात करें मूवी के होममेड के बारे में तो जुलाई 2017 में टेलीविजन प्रसार अधिकार जी तमिल को 30 करोड़ में बेचे गए थे। 14 जनवरी 2018 को थाई पोंगल उत्सव के अवसर पर फिल्म का वैश्विक टेलीविजन प्रीमियर हुआ था। तेलुगु और मलयालम डब संस्करण के उपग्रह अधिकार क्रमश स्टारमान और एशिया नेट द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। बाद में उदिया टीवी ने मायागर नामक फिल्म के कन्नड़ डब संस्करण के अधिकारों का अधिग्रहण किया और 13 सितंबर 2020 को अपने चैनल के माध्यम से इसका प्रीमियर किया। यह नेटफ्लिक्स और Z5 सन NXT के माध्यम से डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है, मतलब आप इस फिल्म को इस प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन देख सकते हैं। और हॉटस्टार 13 मार्च 2022 को फिल्म के हिंदी डब संस्करण का सीधे डिंचक टीवी चैनल नाम पर प्रिय का प्रीमियर किया गया था। मार्शल इटली द्वारा निर्देशित 2017 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिन्होंने भी विजेंद्र प्रसाद और यस रमना क्रीवासन के साथ फिल्म का सहलेखन किया था। स्टूडियो के 100वें फीचर फिल्म निर्माण में तेंदल स्टूडियो
लिमिटेड द्वारा निर्मित फिल्म में विजय और यश कहानी दो भाइयों के इर्द गिर्द घूमती है। एक अपने माता पिता की मृत्यु के चिकित्सा अपराधियों का बदला लेने वाला एक जादूगर है और दूसरा एक प्रतिष्ठित डॉक्टर है जो अपने रोगियों से मामूली रकम वसूलता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय ट्रिपल रोल में है, वित्रीमारन एक गांव का पहलवान और वेंट्री ऐश्वर्या और वेंट्रीमारन के छोटे बेटे, डॉक्टर वी मारन ऐश्वर्या और वित्रीमारन के बड़े बेटे हैं, यस जे सूर्या डेनियल और किया राज के रूप में हैं, डीसीपी रत्नावेल रेड्डी के रूप में सत्यराज ओडिवेल ओडियू के रूप में हैं, वही नित्या मेनन ऐश्वर्या आईसी वित्रीमारन के रूप में हैं और अनु पल्लवी के रूप में काजल अग्रवाल, सामंता रूथ प्रभु तारा के रूप में। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो विजय के साथ इटली की थेरी की रिलीज के बाद इस जोड़ी को सितंबर 2016 में एक और प्रोजेक्ट के लिए श्री थिनांडल फिल्म्स द्वारा साइन किया गया था। प्रारंभ में रिपोर्ट सामने आई कि थेरी के साथ के बाद एटली महेश बाबू को निर्देशित करेंगे और पिछले 7 महीनों से स्क्रिप्ट विकसित कर रहे थे जो नहीं हुआ। इस तरह विजय को भी थिनांडल फिल्म्स द्वारा निर्मित संगमित्रा के लिए साइन किया जा रहा था, लेकिन फिल्म के रूप में शेड्यूल के 250 दिनों की मांग की जिसे वह बहन नहीं कर सके। उन्होंने विनम्रता से इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो फिल्म ने कथित तौर पर तमिलनाडु में 120 करोड़, केरल में 16 करोड़, कर्नाटक में 13 करोड़ और भारत के बाकी हिस्सों में 15 करोड़, घरेलू स्तर पर 164 करोड़ और 260 करोड़ की कमाई की थी पूरे दुनिया भर में। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो द टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रधान संपादक एम सुगंत ने फिल्म को 5 में से 3.5 रेटिंग दी और कहा, मार्शल के साथ हमें इस साल की सबसे आकर्षक मास मसाला फिल्म मिली है, हीरो फुल फॉर्म में है जिसे विजय फिल्म में है, चीजें कैसे अलग हो सकती है। बात करें मूवी के थिएटरिकल रिलीज के बारे में तो मार्शल को पहले 29 सितंबर 2017 को थिएटर्स के रूप में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि शंकर की 2.0 जो दिवाली 18 अक्टूबर 2017 को रिलीज होने वाली थी, व्यापक दृश्य प्रभाव के कारण देरी हुई। निर्माताओं ने फिल्म को रिलीज करने का फैसला किया। वह तारीख 16 अक्टूबर 2017 को फिल्म को AWBI से NOC मिलने के बाद कुछ कट्स के साथ CBFC से UA सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ था। बात करें मूवी के होममेड के बारे में तो जुलाई 2017 में टेलीविजन प्रसार अधिकार जी तमिल को 30 करोड़ में बेचे गए थे। 14 जनवरी 2018 को थाई पोंगल उत्सव के अवसर पर फिल्म का वैश्विक टेलीविजन प्रीमियर हुआ था। तेलुगु और मलयालम डब संस्करण के उपग्रह अधिकार क्रमश स्टारमान और एशिया नेट द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। बाद में
उदिया टीवी ने मायागर नामक फिल्म के कन्नड़ डब संस्करण के अधिकारों का अधिग्रहण किया और 13 सितंबर 2020 को अपने चैनल के माध्यम से इसका प्रीमियर किया। यह नेटफ्लिक्स और Z5 सन NXT के माध्यम से डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है, मतलब आप इस फिल्म को ही इस प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन देख सकते हैं। और हॉटस्टार 13 मार्च 2022 को फिल्म के हिंदी डब संस्करण का सीधे निंचक टीवी चैनल नाम पर प्रिय का प्रीमियर किया गया था। मार्शल एटली द्वारा निर्देशित 2017 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिन्होंने भी विजेंद्र प्रसाद और यश रमना क्रीवासन के साथ फिल्म का सहलेखन किया था। स्टूडियो के 100वें फीचर फिल्म निर्माण में तिंदल स्टूडियो लिमिटेड द्वारा निर्मित फिल्म में विजय और यश कहानी दो भाइयों के इर्द गिर्द घूमती है। एक अपने माता पिता की मृत्यु के चिकित्सा अपराधियों का बदला लेने वाला एक जादूगर है और दूसरा एक प्रतिष्ठित डॉक्टर है जो अपने रोगियों से मामूली रकम वसूलता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय ट्रिपल रोल में है, वित्रीमारन एक गांव का पहलवान और वेंट्री ऐश्वर्या और वेंट्रीमारन के छोटे बेटे डॉक्टर वी मारन ऐश्वर्या और वित्रीमारन के बड़े बेटे हैं। यस जे सूर्या डेनियल और किया राज के रूप में हैं। DCP रत्नावेल रेड्डी के रूप में सत्यराज वोडिवेला वडिऊ के रूप में हैं। वही नित्या मेनन ऐश्वर्या IC वित्रीमारन के रूप में हैं और अनु पल्लवी के रूप में काजल अग्रवाल, सामंता रूथ प्रभु तारा के रूप में। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो विजय के साथ इटली की थेरी की रिलीज के बाद इस जोड़ी को सितंबर 2016 में एक और प्रोजेक्ट के लिए श्री थिनांडल फिल्म्स द्वारा साइन किया गया था। प्रारंभ में रिपोर्ट सामने आई कि थेरी के साथ के बाद एटली महेश बाबू को निर्देशित करेंगे और पिछले 7 महीनों से स्क्रिप्ट विकसित कर रहे थे जो नहीं हुआ। इस तरह विजय को भी थिनांडल फिल्म्स द्वारा निर्मित संगमित्रा के लिए साइन किया जा रहा था, लेकिन फिल्म के रूप में शेड्यूल के 250 दिनों की मांग की जिसे वह बहन नहीं कर सके। उन्होंने विनम्रता से इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो फिल्म ने कथित तौर पर तमिलनाडु में 120 करोड़, केरल में 16 करोड़, कर्नाटक में 13 करोड़ और भारत के बाकी हिस्सों में 15 करोड़, घरेलू स्तर पर 164 करोड़ और 260 करोड़ की कमाई की थी पूरे दुनिया भर में। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो द टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रधान संपादक एम सुगंध ने फिल्म को 5 में से 3.5 रेटिंग दी और कहा, मार्शल के साथ हमें इस साल की सबसे आकर्षक मसाला फिल्म मिली है। हीरो फुल फॉर्म में है जिसे विजय फिल्म में है, चीज़ें कैसे अलग हो सकती है। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो मार्शल को पहले 29 सितंबर 2017 को
थिएटर्स के रूप में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि शंकर की 2.0 जोन दिवाली 18 अक्टूबर 2017 को रिलीज होने वाली थी, व्यापक दृश्य प्रभाव के कारण देरी हुई। निर्माताओं ने फिल्म को रिलीज करने का फैसला किया और तारीख 16 अक्टूबर 2017 को फिल्म को AWBI से NOC मिलने के बाद कुछ कट्स के साथ CBFC से UA सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ था। बात करें मूवी के होममेड डे के बारे में, तो जुलाई 2017 में टेलीविजन प्रसार अधिकार जी तमिल को 30 करोड़ में बेचे गए थे। 14 जनवरी 2018 को थाई पोंगल उत्सव के अवसर पर फिल्म का वैश्विक टेलीविजन प्रीमियर हुआ था। तेलुगु और मलयालम डब संस्करण के उपग्रह अधिकार क्रमश स्टारमान और एशिया नेट द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। बाद में उदिया टीवी ने मायागर नामक फिल्म के कन्नड़ डब संस्करण के अधिकारों का अधिग्रहण किया और 13 सितंबर 2020 को अपने चैनल के माध्यम से इसका प्रीमियर किया। यह नेटफ्लिक्स और Z5 सन NXT के माध्यम से डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है, मतलब आप इस फिल्म को इस प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन देख सकते हैं। और हॉटस्टार 13 मार्च 2022 को फिल्म के हिंदी डब संस्करण का सीधे डिंचक टीवी चैनल नाम पर प्रिय का प्रीमियर किया गया था। मार्शल एटली द्वारा निर्देशित 2017 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिन्होंने भी विजेंद्र प्रसाद और यस रमना ग्रीवासन के साथ फिल्म का सहलेखन किया था। स्टूडियो के 100वें फीचर फिल्म निर्माण में तिंदल स्टूडियो लिमिटेड द्वारा निर्मित फिल्म में विजय और यस कहानी दो भाइयों के इर्द गिर्द घूमती है। एक अपने माता पिता की मृत्यु के चिकित्सा अपराधियों का बदला लेने वाला एक जादूगर है और दूसरा एक प्रतिष्ठित डॉक्टर है जो अपने रोगियों से मामूली रकम वसूलता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो विजय ट्रिपल रोल में है, वित्रीमारन एक गांव का पहलवान और वेंट्री ऐश्वर्या और वेंट्रीमारन के छोटे बेटे, डॉक्टर वी मारन ऐश्वर्या और वित्रीमारन के बड़े बेटे हैं। यस जे सूर्या डेनियल और किया राज के रूप में है, DCP रत्नावेल रेड्डी के रूप में सत्यराज ओडिवेला ओडियू के रूप में है, वही नित्या मेनन ऐश्वर्या IC वित्रीमारन के रूप में है और अनुपल्लवी के रूप में काजल अग्रवाल, सामंथा रूथ प्रभु तारा के रूप में। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो विजय के साथ इटली की थेरी की रिलीज के बाद इस जोड़ी को सितंबर 2016 में एक और प्रोजेक्ट के लिए श्री थिनांडल फिल्म्स द्वारा साइन किया गया था। प्रारंभ में रिपोर्ट सामने आई कि थेरी के साथ के बाद इटली महेश बाबू को निर्देशित करेंगे और पिछले 7 महीनों से स्क्रिप्ट विकसित कर रहे थे जो नहीं हुआ। इस तरह विजय को भी थिनंदल फिल्म्स द्वारा निर्मित संगमित्रा के लिए साइन किया जा रहा था, लेकिन फिल्म के रूप में शेड्यूल के 250 दिनों की मांग की, जिसे वह बहन नहीं कर सके। उन्होंने
विनम्रता से इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो फिल्म ने कथित तौर पर तमिलनाडु में 120 करोड़, केरल में 16 करोड़, कर्नाटक में 13 करोड़ और भारत के बाकी हिस्सों में 15 करोड़, घरेलू स्तर पर 164 करोड़ और 260 करोड़ की कमाई की थी पूरे दुनिया भर में। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में, तो द टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रधान संपादक एम सुगंध ने फिल्म को 5 में से 3.5 रेटिंग दी और कहा, मार्शल के साथ हमें इस साल की सबसे आकर्षक मसाला फिल्म मिली है। हीरो फुल फॉर्म में है, जिसे विजय फिल्म में है, चीज़ें कैसे अलग हो सकती है। बात करें मूवी के थिएटरिकल रिलीज के बारे में, तो मार्शल को पहले 29 सितंबर 2017 को थिएटर्स के रूप में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि शंकर की 2.0 जो दिवाली 18 अक्टूबर 2017 को रिलीज होने वाली थी, व्यापक दृश्य प्रभाव के कारण देरी हुई। निर्माताओं ने फिल्म को रिलीज करने का फैसला किया और तारीख 16 अक्टूबर 2017 को फिल्म को AWBI से NOC मिलने के बाद कुछ कट्स के साथ CBFC से UA सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ था। बात करें मूवी के होममेड के बारे में, तो जुलाई 2017 में टेलीविजन प्रसार अधिकार जी तमिल को 30 करोड़ में बेचे गए थे। 14 जनवरी 2018 को थाई पोंगल उत्सव के अवसर पर फिल्म का वैश्विक टेलीविजन प्रीमियर हुआ था। तेलुगु और मलयालम डब संस्करण के उपग्रह अधिकार क्रमश स्टारमान और एशिया नेट द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। बाद में उदिया टीवी ने मायागर नामक फिल्म के कन्नड़ डब संस्करण के अधिकारों का अधिग्रहण किया और 13 सितंबर 2020 को अपने चैनल के माध्यम से इसका प्रीमियर किया। यह नेटफ्लिक्स और Z5 सन NXT के माध्यम से डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है, मतलब आप इस फिल्म को इस प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन देख सकते हैं। और हॉटस्टार 13 मार्च 2022 को फिल्म के हिंदी डब संस्करण का सीधे डिंचक टीवी चैनल नाम पर प्रिय का प्रीमियर किया गया था। मार्शल एटली द्वारा निर्देशित 2017 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिन्होंने भी विजेंद्र प्रसाद और यस रमना ग्रीवासन के साथ फिल्म का सहलेखन किया था। स्टूडियो के 100वें फीचर फिल्म निर्माण में तेंदल स्टूडियो लिमिटेड द्वारा निर्मित फिल्म में विजय और यस कहानी दो भाइयों के इर्द गिर्द घूमती है। एक अपने माता पिता की मृत्यु के चिकित्सा अपराधियों का बदला लेने वाला एक जादूगर है और दूसरा एक प्रतिष्ठित डॉक्टर है, जो अपने रोगियों से मामूली रकम वसूलता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो विजय ट्रिपल रोल में है, वित्रीमारन एक गांव का पहलवान और वेंट्री ऐश्वर्या और वेंट्रीमारन के छोटे बेटे, डॉक्टर वी मारन ऐश्वर्या और वित्रीमारन के बड़े बेटे हैं। यस जे सूर्या डेनियल और किया राज के रूप में हैं। DCP रत्नावेल रेड्डी के रूप में सत्यराज, ओडिवेल ओडियू के रूप में हैं, वही नित्या मेनन ऐश्वर्या
आईसी वेत्रिमारन के रूप में हैं और अनु पल्लवी के रूप में काजल अग्रवाल, सामंथा रूथ प्रभु तारा के रूप में। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो विजय के साथ इटली की थेरी की रिलीज के बाद इस जोड़ी को सितंबर 2016 में एक और प्रोजेक्ट के लिए श्री थिनांडल फिल्म्स द्वारा साइन किया गया था। प्रारंभ में रिपोर्ट सामने आई कि थेरी के साथ के बाद एटली महेश बाबू को निर्देशित करेंगे और पिछले 7 महीनों से स्क्रिप्ट विकसित कर रहे थे जो नहीं हुआ। इस तरह विजय को भी थिनांडल फिल्म्स द्वारा निर्मित संगमित्रा के लिए साइन किया जा रहा था, लेकिन फिल्म के रूप में शेड्यूल के 250 दिनों की मांग की जिसे वह बहन नहीं कर सके। उन्होंने विनम्रता से इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो फिल्म ने कथित तौर पर तमिलनाडु में 120 करोड़, केरल में 16 करोड़, कर्नाटक में 13 करोड़ और भारत के बाकी हिस्सों में 15 करोड़, घरेलू स्तर पर 164 करोड़ और 260 करोड़ की कमाई की थी पूरे दुनिया भर में। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो द टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रधान संपादक एम सुगंत ने फिल्म को 5 में से 3.5 रेटिंग दी और कहा, मार्शल के साथ हमें इस साल की सबसे आकर्षक मसाला फिल्म मिली है। हीरो फुल फॉर्म में है जिसे विजय फिल्म में है, चीज़ें कैसे अलग हो सकती है। बात करें मूवी के थिएटरिकल रिलीज के बारे में तो मार्शल को पहले 29 सितंबर 2017 को थिएटर्स के रूप में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि शंकर की 2.0 जो दिवाली 18 अक्टूबर 2017 को रिलीज होने वाली थी, व्यापक दृश्य प्रभाव के कारण देरी हुई। निर्माताओं ने फिल्म को रिलीज करने का फैसला किया। वह तारीख 16 अक्टूबर 2017 को फिल्म को AWBI से NOC मिलने के बाद कुछ कट्स के साथ CBFC से UA सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ था। बात करें मूवी के होममेड के बारे में तो जुलाई 2017 में टेलीविजन प्रसार अधिकार जी तमिल को 30 करोड़ में बेचे गए थे। 14 जनवरी 2018 को थाई पोंगल उत्सव के अवसर पर फिल्म का वैश्विक टेलीविजन प्रीमियर हुआ था। तेलुगु और मलयालम डब संस्करण के उपग्रह अधिकार क्रमश स्टारमान और एशिया नेट द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। बाद में उदिया टीवी ने मायागर नामक फिल्म के कन्नड़ डब संस्करण के अधिकारों का अधिग्रहण किया और 13 सितंबर 2020 को अपने चैनल के माध्यम से इसका प्रीमियर किया। यह नेटफ्लिक्स और Z5 सन NXT के माध्यम से डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है, मतलब आप इस फिल्म को इस प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन देख सकते हैं। और हॉटस्टार 13 मार्च 2022 को फिल्म के हिंदी डब संस्करण का सीधे डिंचक टीवी चैनल नाम पर प्रिय का प्रीमियर किया गया था। मार्शल इटली द्वारा निर्देशित 2017 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिन्होंने भी विजेंद्र प्रसाद और यस रमना क्रीवासन के साथ फिल्म का सहलेखन किया था। स्टूडियो के 100वें फीचर फिल्म निर्माण में
तिंदल स्टूडियो लिमिटेड द्वारा निर्मित फिल्म में विजय और यश कहानी दो भाइयों के इर्द गिर्द घूमती है। एक अपने माता पिता की मृत्यु के चिकित्सा अपराधियों का बदला लेने वाला एक जादूगर है और दूसरा एक प्रतिष्ठित डॉक्टर है जो अपने रोगियों से मामूली रकम वसूलता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय ट्रिपल रोल में है, वित्रीमारन एक गांव का पहलवान और वेंट्री ऐश्वर्या और वेंट्रीमारन के छोटे बेटे डॉक्टर वी मारन ऐश्वर्या और वित्रीमारन के बड़े बेटे हैं। यस जे सूर्या डेनियल और किया राज के रूप में हैं। डीसीपी रत्नावेल रेड्डी के रूप में सत्यराज वोडिवेला वडियू के रूप में हैं। वही नित्या मेनन ऐश्वर्या आईसी वित्रीमारन के रूप में हैं और अनुपल्लवी के रूप में काजल अग्रवाल, सामंथा रूथ प्रभु तारा के रूप में। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो विजय के साथ इटली की थेरी की रिलीज के बाद इस जोड़ी को सितंबर 2016 में एक और प्रोजेक्ट के लिए श्री थिनांडल फिल्म्स द्वारा साइन किया गया था। प्रारंभ में रिपोर्ट सामने आई कि थेरी के साथ के बाद एटली महेश बाबू को निर्देशित करेंगे और पिछले 7 महीनों से स्क्रिप्ट विकसित कर रहे थे जो नहीं हुआ। इस तरह विजय को भी थिनांडल फिल्म्स द्वारा निर्मित संगमित्रा के लिए साइन किया जा रहा था, लेकिन फिल्म के रूप में शेड्यूल के 250 दिनों की मांग की जिसे वह बहन नहीं कर सके। उन्होंने विनम्रता से इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो फिल्म ने कथित तौर पर तमिलनाडु में 120 करोड़, केरल में 16 करोड़, कर्नाटक में 13 करोड़ और भारत के बाकी हिस्सों में 15 करोड़, घरेलू स्तर पर 164 करोड़ और 260 करोड़ की कमाई की थी पूरे दुनिया भर में। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो द टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रधान संपादक एम सुगंध ने फिल्म को 5 में से 3.5 रेटिंग दी और कहा, मार्शल के साथ हमें इस साल की सबसे आकर्षक मास मसाला फिल्म मिली है। हीरो फुल फॉर्म में है जिसे विजय फिल्म में है, चीजें कैसे अलग हो सकती है। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो मार्शल को पहले 29 सितंबर 2017 को थिएटर्स के रूप में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि शंकर की 2.0 जोन दिवाली 18 अक्टूबर 2017 को रिलीज होने वाली थी, व्यापक दृश्य प्रभाव के कारण देरी हुई। निर्माताओं ने फिल्म को रिलीज करने का फैसला किया। वह तारीख 16 अक्टूबर 2017 को फिल्म को AWBI से NOC मिलने के बाद कुछ कट्स के साथ CBFC से UA सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ था। बात करें मूवी के होममेड के बारे में तो जुलाई 2017 में टेलीविजन प्रसार अधिकार जी तमिल को 30 करोड़ में बेचे गए थे। 14 जनवरी 2018 को थाई पोंगल उत्सव के अवसर पर फिल्म का वैश्विक टेलीविजन प्रीमियर हुआ था। तेलुगु और मलयालम डब संस्करण के उपग्रह अधिकार क्रमश स्टारमान और एशिया नेट द्वारा अधिग्रहित किए गए थे।
बाद में उदिया टीवी ने मायागर नामक फिल्म के कन्नड़ डब संस्करण के अधिकारों का अधिग्रहण किया और 13 सितंबर 2020 को अपने चैनल के माध्यम से इसका प्रीमियर किया। यह नेटफ्लिक्स और Z5 सन NXT के माध्यम से डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है, मतलब आप इस फिल्म को इस प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन देख सकते हैं। और हॉटस्टार 13 मार्च 2022 को फिल्म के हिंदी डब संस्करण का सीधे निंचक टीवी चैनल नाम पर प्रिय का प्रीमियर किया गया था। मार्शल एटली द्वारा निर्देशित 2017 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिन्होंने भी विजेंद्र प्रसाद और यस रमना ग्रीवासन के साथ फिल्म का सहलेखन किया था। स्टूडियो के 100वें फीचर फिल्म निर्माण में तिंदल स्टूडियो लिमिटेड द्वारा निर्मित फिल्म में विजय और यस कहानी दो भाइयों के इर्द गिर्द घूमती है। एक अपने माता पिता की मृत्यु के चिकित्सा अपराधियों का बदला लेने वाला एक जादूगर है और दूसरा एक प्रतिष्ठित डॉक्टर है जो अपने रोगियों से मामूली रकम वसूलता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय ट्रिपल रोल में है, वित्रीमारन एक गांव का पहलवान और वेंट्री ऐश्वर्या और वेंट्रीमारन के छोटे बेटे डॉक्टर वी मारन ऐश्वर्या और वित्रीमारन के बड़े बेटे हैं। यस जे सूर्या डेनियल और किया राज के रूप में हैं, DCP रत्नावेल रेड्डी के रूप में सत्यराज ओडिवेला ओडियू के रूप में हैं, वही नित्या मेनन ऐश्वर्या IC वित्रीमारन के रूप में हैं और अनुपल्लवी के रूप में काजल अग्रवाल, सामंथा रूथ प्रभु तारा के रूप में। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो विजय के साथ इटली की थेरी की रिलीज के बाद इस जोड़ी को सितंबर 2016 में एक और प्रोजेक्ट के लिए श्री थिनांडल फिल्म्स द्वारा साइन किया गया था। प्रारंभ में रिपोर्ट सामने आई कि थेरी के साथ के बाद इटली महेश बाबू को निर्देशित करेंगे और पिछले 7 महीनों से स्क्रिप्ट विकसित कर रहे थे जो नहीं हुआ। इस तरह विजय को भी थिनांडल फिल्म्स द्वारा निर्मित संगमित्रा के लिए साइन किया जा रहा था, लेकिन फिल्म के रूप में शेड्यूल के 250 दिनों की मांग की जिसे वह वहन नहीं कर सके। उन्होंने विनम्रता से इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो फिल्म ने कथित तौर पर तमिलनाडु में 120 करोड़, केरल में 16 करोड़, कर्नाटक में 13 करोड़ और भारत के बाकी हिस्सों में 15 करोड़, घरेलू स्तर पर 164 करोड़ और 260 करोड़ की कमाई की थी पूरे दुनिया भर में। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो द टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रधान संपादक एम सुगंध ने फिल्म को 5 में से 3.5 रेटिंग दी और कहा, मार्शल के साथ हमें इस साल की सबसे आकर्षक मसाला फिल्म मिली है, हीरो फुल फॉर्म में है जिसे विजय फिल्म में है, चीज़ें कैसे अलग हो सकती है। बात करें मूवी के थिएटरिकल रिलीज के बारे में तो मार्शल को पहले 29
सितंबर 2017 को थिएटर्स के रूप में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि शंकर की 2.0 जो दिवाली 18 अक्टूबर 2017 को रिलीज होने वाली थी, व्यापक दृश्यों प्रभाव के कारण देरी हुई। निर्माताओं ने फिल्म को रिलीज करने का फैसला किया और तारीख 16 अक्टूबर 2017 को फिल्म को AWBI से NOC मिलने के बाद कुछ कट्स के साथ CBFC से UA सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ था। बात करें मूवी के होममेड के बारे में, तो जुलाई 2017 में टेलीविजन प्रसार अधिकार जी तमिल को 30 करोड़ में बेचे गए थे। 14 जनवरी 2018 को थाई पोंगल उत्सव के अवसर पर फिल्म का वैश्विक टेलीविजन प्रीमियर हुआ था। तेलुगु और मलयालम डब संस्करण के उपग्रह अधिकार क्रमश स्टारमान और एशिया नेट द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। बाद में उदिया टीवी ने मायागर नामक फिल्म के कन्नड़ डब संस्करण के अधिकारों का अधिग्रहण किया और 13 सितंबर 2020 को अपने चैनल के माध्यम से इसका प्रीमियर किया। यह नेटफ्लिक्स और Z5 सन NXT के माध्यम से डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है। मतलब आप इस फिल्म को इस प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन देख सकते हैं। और हॉटस्टार 13 मार्च 2022 को फिल्म के हिंदी डब संस्करण का सीधे डिंचक टीवी चैनल नाम पर प्रिय का प्रीमियर किया गया था। मार्शल एटली द्वारा निर्देशित 2017 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिन्होंने भी विजेंद्र प्रसाद और यस रमना क्रीवासन के साथ फिल्म का सहलेखन किया था। स्टूडियो के 100वें फीचर फिल्म निर्माण में तिंदल स्टूडियो लिमिटेड द्वारा निर्मित फिल्म में विजय और यश कहानी दो भाइयों के इर्द गिर्द घूमती है। एक अपने माता पिता की मृत्यु के चिकित्सा अपराधियों का बदला लेने वाला एक जादूगर है और दूसरा एक प्रतिष्ठित डॉक्टर है जो अपने रोगियों से मामूली रकम वसूलता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो विजय ट्रिपल रोल में है, वित्रीमारन एक गांव का पहलवान और वेंट्री ऐश्वर्या और वित्रीमारन के छोटे बेटे डॉक्टर वी मारन ऐश्वर्या और वित्रीमारन के बड़े बेटे हैं। यस जे सूर्या डेनियल और किया राज के रूप में हैं। DCP रत्नावेल रेड्डी के रूप में सत्यराज ओडिवेल ओडियू के रूप में हैं। वही नित्या मेनन ऐश्वर्या आईसी वित्रीमारन के रूप में हैं और अनुपल्लवी के रूप में काजल अग्रवाल, सामंथा रूथ प्रभु तारा के रूप में। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो विजय के साथ इटली की थेरी की रिलीज के बाद इस जोड़ी को सितंबर 2016 में एक और प्रोजेक्ट के लिए श्री थिनांडल फिल्म्स द्वारा साइन किया गया था। प्रारंभ में रिपोर्ट सामने आई कि थेरी के साथ के बाद इटली महेश बाबू को निर्देशित करेंगे और पिछले 7 महीनों से स्क्रिप्ट विकसित कर रहे थे जो नहीं हुआ। इस तरह विजय को भी थिनंदल फिल्म्स द्वारा निर्मित संगमित्रा के लिए साइन किया जा रहा था, लेकिन फिल्म के रूप में शेड्यूल के 250 दिनों की मांग की, जिसे वह बहन
नहीं कर सके। उन्होंने विनम्रता से इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो फिल्म ने कथित तौर पर तमिलनाडु में 120 करोड़, केरल में 16 करोड़, कर्नाटक में 13 करोड़ और भारत के बाकी हिस्सों में 15 करोड़, घरेलू स्तर पर 164 करोड़ और 260 करोड़ की कमाई की थी पूरे दुनिया भर में। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में, तो द टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रधान संपादक एम सुगंत ने फिल्म को 5 में से 3.5 रेटिंग दी और कहा, मार्शल के साथ हमें इस साल की सबसे आकर्षक मास मसाला फिल्म मिली है। हीरो फुल फॉर्म में है, जिसे विजय फिल्म में है, चीज़ें कैसे अलग हो सकती है। बात करें मूवी के थिएटरिकल रिलीज के बारे में, तो मार्शल को पहले 29 सितंबर 2017 को थिएटर्स के रूप में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि शंकर की 2.0 जो दिवाली 18 अक्टूबर 2017 को रिलीज होने वाली थी, व्यापक दृश्य प्रभाव के कारण देरी हुई। निर्माताओं ने फिल्म को रिलीज करने का फैसला किया। वह तारीख 16 अक्टूबर 2017 को फिल्म को AWBI से NOC मिलने के बाद कुछ कट्स के साथ CBFC से UA सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ था। बात करें मूवी के होममेड डे के बारे में, तो जुलाई 2017 में टेलीविजन प्रसार अधिकार जी तमिल को 30 करोड़ में बेचे गए थे। 14 जनवरी 2018 को थाई पोंगल उत्सव के अवसर पर फिल्म का वैश्विक टेलीविजन प्रीमियर हुआ था। तेलुगु और मलयालम डब संस्करण के उपग्रह अधिकार क्रमश स्टारमान और एशिया नेट द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। बाद में उदिया टीवी ने मायागर नामक फिल्म के कन्नड़ डब संस्करण के अधिकारों का अधिग्रहण किया और 13 सितंबर 2020 को अपने चैनल के माध्यम से इसका प्रीमियर किया। यह नेटफ्लिक्स और Zee5 सन NXT के माध्यम से डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है। मतलब आप इस फिल्म को इस प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन देख सकते हैं। और हॉटस्टार 13 मार्च 2022 को फिल्म के हिंदी डब संस्करण का सीधे डिंचक टीवी चैनल नाम पर प्रीमियर किया गया था। मार्शल एटली द्वारा निर्देशित 2017 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिन्होंने भी विजेंद्र प्रसाद और यश रमना ग्रीवासन के साथ फिल्म का सहलेखन किया था। स्टूडियो के 100वें फीचर फिल्म निर्माण में तेंदल स्टूडियो लिमिटेड द्वारा निर्मित फिल्म में विजय और यश कहानी दो भाइयों के इर्द गिर्द घूमती है। एक अपने माता पिता की मृत्यु के चिकित्सा अपराधियों का बदला लेने वाला एक जादूगर है और दूसरा एक प्रतिष्ठित डॉक्टर है, जो अपने रोगियों से मामूली रकम वसूलता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो विजय ट्रिपल रोल में है, वित्रीमारन एक गांव का पहलवान और वेंट्री ऐश्वर्या और वेंट्रीमारन के छोटे बेटे डॉक्टर वी मारन ऐश्वर्या और वित्रीमारन के बड़े बेटे हैं। यस जे सूर्या डेनियल और किया राज के रूप में हैं। DCP रत्नावेल रेड्डी के रूप में सत्यराज, ओडीवेल ओडीयू के रूप में हैं। वही
नित्या मेनन ऐश्वर्या आईसी वेत्रीमारन के रूप में हैं और अनु पल्लवी के रूप में काजल अग्रवाल, सामंथा रूथ प्रभु तारा के रूप में हैं। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो विजय के साथ इटली की थेरी की रिलीज के बाद इस जोड़ी को सितंबर 2016 में एक और प्रोजेक्ट के लिए श्री थिनांडल फिल्म्स द्वारा साइन किया गया था। प्रारंभ में रिपोर्ट सामने आई कि थेरी फेस 7 के बाद एटली महेश बाबू को निर्देशित करेंगे और पिछले 7 महीनों से स्क्रिप्ट विकसित कर रहे थे जो नहीं हुआ। इस तरह विजय को भी थिनांडल फिल्म्स द्वारा निर्मित संगमित्रा के लिए साइन किया जा रहा था, लेकिन फिल्म के रूप में शेड्यूल के 250 दिनों की मांग की जिसे वह बहन नहीं कर सके। उन्होंने विनम्रता से इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो फिल्म ने कथित तौर पर तमिलनाडु में 120 करोड़, केरल में 16 करोड़, कर्नाटक में 13 करोड़ और भारत के बाकी हिस्सों में 15 करोड़, घरेलू स्तर पर 164 करोड़ और 260 करोड़ की कमाई की थी पूरे दुनिया भर में। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो द टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रधान संपादक एम सुगंध ने फिल्म को 5 में से 3.5 रेटिंग दी और कहा, मार्शल के साथ हमें इस साल की सबसे आकर्षक मसाला फिल्म मिली है। हीरो फुल फॉर्म में है जिसे विजय फिल्म में है, चीज़ें कैसे अलग हो सकती है। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो मार्शल को पहले 29 सितंबर 2017 को थिएटर्स के रूप में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि शंकर की 2.0 जोन दिवाली 18 अक्टूबर 2017 को रिलीज होने वाली थी, व्यापक दृश्य प्रभाव के कारण देरी हुई। निर्माताओं ने फिल्म को रिलीज करने का फैसला किया। वह तारीख 16 अक्टूबर 2017 को फिल्म को AWBI से NOC मिलने के बाद कुछ कट्स के साथ CBFC से UA सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ था। बात करें मूवी के होममेड के बारे में तो जुलाई 2017 में टेलीविजन प्रसार अधिकार जी तमिल को 30 करोड़ में बेचे गए थे। 14 जनवरी 2018 को थाई पोंगल उत्सव के अवसर पर फिल्म का वैश्विक टेलीविजन प्रीमियर हुआ था। तेलुगु और मलयालम डब संस्करण के उपग्रह अधिकार क्रमश स्टारमान और एशिया नेट द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। बाद में उदिया टीवी ने मायागर नामक फिल्म के कन्नड़ डब संस्करण के अधिकारों का अधिग्रहण किया और 13 सितंबर 2020 को अपने चैनल के माध्यम से इसका प्रीमियर किया। यह नेटफ्लिक्स और Z5 सन NXT के माध्यम से डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है, मतलब आप इस फिल्म को इस प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन देख सकते हैं। और हॉटस्टार 13 मार्च 2022 को फिल्म के हिंदी डब संस्करण का सीधे डिंचक टीवी चैनल नाम पर प्रिय का प्रीमियर किया गया था। मार्शल इटली द्वारा निर्देशित 2017 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिन्होंने भी विजेंद्र प्रसाद और यस रमना ग्रीवासन के साथ फिल्म का सहलेखन किया था। स्टूडियो के
100वें फीचर फिल्म निर्माण में तेंदल स्टूडियो लिमिटेड द्वारा निर्मित फिल्म में विजय और यश कहानी दो भाइयों के इर्द गिर्द घूमती है। एक अपने माता पिता की मृत्यु के चिकित्सा अपराधियों का बदला लेने वाला एक जादूगर है और दूसरा एक प्रतिष्ठित डॉक्टर है जो अपने रोगियों से मामूली रकम वसूलता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय ट्रिपल रोल में है, वित्रीमारन एक गांव का पहलवान और वेंट्री ऐश्वर्या और वित्रीमारन के छोटे बेटे डॉक्टर वी मारन ऐश्वर्या और वित्रीमारन के बड़े बेटे हैं। यस जे सूर्या डेनियल और किया राज के रूप में हैं। डीसीपी रत्नावेल रेड्डी के रूप में सत्यराज ओडिवेला ओडियू के रूप में हैं। वही नित्या मेनन ऐश्वर्या आईसी वित्रीमारन के रूप में हैं और अनुपल्लवी के रूप में काजल अग्रवाल, सामंथा रूथ प्रभु तारा के रूप में। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो विजय के साथ इटली की थेरी की रिलीज के बाद इस जोड़ी को सितंबर 2016 में एक और प्रोजेक्ट के लिए श्री थिनांडल फिल्म्स द्वारा साइन किया गया था। प्रारंभ में रिपोर्ट सामने आई कि थेरी के साथ के बाद एटली महेश बाबू को निर्देशित करेंगे और पिछले 7 महीनों से स्क्रिप्ट विकसित कर रहे थे जो नहीं हुआ। इस तरह विजय को भी थिनांडल फिल्म्स द्वारा निर्मित संगमित्रा के लिए साइन किया जा रहा था, लेकिन फिल्म के रूप में शेड्यूल के 250 दिनों की मांग की जिसे वह बहन नहीं कर सके। उन्होंने विनम्रता से इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो फिल्म ने कथित तौर पर तमिलनाडु में 120 करोड़, केरल में 16 करोड़, कर्नाटक में 13 करोड़ और भारत के बाकी हिस्सों में 15 करोड़, घरेलू स्तर पर 164 करोड़ और 260 करोड़ की कमाई की थी पूरे दुनिया भर में। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो द टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रधान संपादक एम सुगंध ने फिल्म को 5 में से 3.5 रेटिंग दी और कहा, मार्शल के साथ हमें इस साल की सबसे आकर्षक मास मसाला फिल्म मिली है। हीरो फुल फॉर्म में है जिसे विजय फिल्म में है, चीज़ें कैसे अलग हो सकती है। बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो मार्शल को पहले 29 सितंबर 2017 को थिएटर्स के रूप में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि शंकर की 2.0 जो दिवाली 18 अक्टूबर 2017 को रिलीज होने वाली थी, व्यापक दृश्य प्रभाव के कारण देरी हुई। निर्माताओं ने फिल्म को रिलीज करने का फैसला किया। वह तारीख 16 अक्टूबर 2017 को फिल्म को AWBI से NOC मिलने के बाद कुछ कट्स के साथ CBFC से UA सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ था। बात करें मूवी के होममेड के बारे में तो जुलाई 2017 में टेलीविजन प्रसार अधिकार जी तमिल को 30 करोड़ में बेचे गए थे। 14 जनवरी 2018 को थाई पोंगल उत्सव के अवसर पर फिल्म का वैश्विक टेलीविजन प्रीमियर हुआ था। तेलुगु और मलयालम डब संस्करण के उपग्रह अधिकार क्रमश स्टारमान और
एशियानेट द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। बाद में उदया टीवी ने मायागर नामक फिल्म के कन्नड़ डब संस्करण के अधिकारों का अधिग्रहण किया और 13 सितंबर 2020 को अपने चैनल के माध्यम से इसका प्रीमियर किया। यह नेटफ्लिक्स और Z5 सन NXT के माध्यम से डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है, मतलब आप इस फिल्म को इस प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन देख सकते हैं। और हॉटस्टार 13 मार्च 2022 को फिल्म के हिंदी डब संस्करण का सीधे डिंचक टीवी चैनल नाम पर प्रीमियर किया गया था। मार्शल एटली द्वारा निर्देशित 2017 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिन्होंने भी विजेंद्र प्रसाद और यस रमना ग्रीवासन के साथ फिल्म का सहलेखन किया था। स्टूडियो के 100वें फीचर फिल्म निर्माण में तिंदल स्टूडियो लिमिटेड द्वारा निर्मित फिल्म में विजय और यश कहानी दो भाइयों के इर्द गिर्द घूमती है। एक अपने माता पिता की मृत्यु के चिकित्सा अपराधियों का बदला लेने वाला एक जादूगर है और दूसरा एक प्रतिष्ठित डॉक्टर है जो अपने रोगियों से मामूली रकम वसूलता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय ट्रिपल रोल में है, वित्रीमारन एक गांव का पहलवान और वेंट्री ऐश्वर्या और वेंट्रीमारन के छोटे बेटे डॉक्टर वी मारन ऐश्वर्या और वित्रीमारन के बड़े बेटे हैं। यस जे सूर्या डेनियल और किया राज के रूप में हैं, डीसीपी रत्नावेल रेड्डी के रूप में सत्यराज ओडिवेल ओडियू के रूप में हैं, वही नित्या मेनन ऐश्वर्या आईसी वित्रीमारन के रूप में हैं और अनुपल्लवी के रूप में काजल अग्रवाल, सामंथा रूथ प्रभु तारा के रूप में। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो विजय के साथ इटली की थेरी की रिलीज के बाद इस जोड़ी को सितंबर 2016 में एक और प्रोजेक्ट के लिए श्री थिनांडल फिल्म्स द्वारा साइन किया गया था। प्रारंभ में रिपोर्ट सामने आई कि थेरी के साथ के बाद इटली महेश बाबू को निर्देशित करेंगे और पिछले 7 महीनों से स्क्रिप्ट विकसित कर रहे थे जो नहीं हुआ। इस तरह विजय को भी थिनंदल फिल्म्स द्वारा निर्मित संगमित्रा के लिए साइन किया जा रहा था, लेकिन फिल्म के रूप में शेड्यूल के 250 दिनों की मांग की जिसे वह बहन नहीं कर सके। उन्होंने विनम्रता से इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो फिल्म ने कथित तौर पर तमिलनाडु में 120 करोड़, केरल में 16 करोड़, कर्नाटक में 13 करोड़ और भारत के बाकी हिस्सों में 15 करोड़, घरेलू स्तर पर 164 करोड़ और 260 करोड़ की कमाई की थी पूरे दुनिया भर में। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो द टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रधान संपादक एम सुगंत ने फिल्म को 5 में से 3.5 रेटिंग दी और कहा, मार्शल के साथ हमें इस साल की सबसे आकर्षक मास मसाला फिल्म मिली है। हीरो फुल फॉर्म में है जिसे विजय फिल्म में है, चीज़ें कैसे अलग हो सकती है। बात करें मूवी के
थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो मार्शल को पॉलिन 29 सितंबर 2017 को थिएटर्स के रूप में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि शंकर की 2.0 जोन दिवाली 18 अक्टूबर 2017 को रिलीज होने वाली थी, व्यापक दृश्य प्रभाव के कारण देरी हुई। निर्माताओं ने फिल्म को रिलीज करने का फैसला किया। वह तारीख 16 अक्टूबर 2017 को फिल्म को AWBI से NOC मिलने के बाद कुछ कट्स के साथ CBFC से UA सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ था। बात करें मूवी के होममेड डे के बारे में, तो जुलाई 2017 में टेलीविजन प्रसार अधिकार जी तमिल को 30 करोड़ में बेचे गए थे। 14 जनवरी 2018 को थाई पोंगल उत्सव के अवसर पर फिल्म का वैश्विक टेलीविजन प्रीमियर हुआ था। तेलुगु और मलयालम डब संस्करण के उपग्रह अधिकार क्रमश स्टारमान और एशिया नेट द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। बाद में उदिया टीवी ने मायागर नामक फिल्म के कन्नड़ डब संस्करण के अधिकारों का अधिग्रहण किया और 13 सितंबर 2020 को अपने चैनल के माध्यम से इसका प्रीमियर किया। यह नेटफ्लिक्स और Zee5 सन NXT के माध्यम से डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है, मतलब आप इस फिल्म को इस प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन देख सकते हैं। और हॉटस्टार 13 मार्च 2022 को फिल्म के हिंदी डब संस्करण का सीधे डिंचक टीवी चैनल नाम पर प्रीमियर किया गया था। मार्शल एटली द्वारा निर्देशित 2017 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिन्होंने भी विजेंद्र प्रसाद और यश रमना क्रीवासन के साथ फिल्म का सहलेखन किया था। स्टूडियो के 100वें फीचर फिल्म निर्माण में तेंदल स्टूडियो लिमिटेड द्वारा निर्मित फिल्म में विजय और यश कहानी दो भाइयों के इर्द गिर्द घूमती है। एक अपने माता पिता की मृत्यु के चिकित्सा अपराधियों का बदला लेने वाला एक जादूगर है और दूसरा एक प्रतिष्ठित डॉक्टर है जो अपने रोगियों से मामूली रकम वसूलता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो विजय ट्रिपल रोल में है, वित्रीमारन एक गांव का पहलवान और वेंट्री ऐश्वर्या और वेंट्रीमारन के छोटे बेटे, डॉक्टर वी मारन ऐश्वर्या और वित्रीमारन के बड़े बेटे हैं, यस जे सूर्या डेनियल और कियाराज के रूप में हैं, DCP रत्नावेल रेड्डी के रूप में सत्यराज, ओडिवेल के रूप में हैं वही नित्या मेनन ऐश्वर्या IC वित्रीमारन के रूप में हैं और अनु पल्लवी के रूप में काजल अग्रवाल, सामंथा रूत प्रभु तारा के रूप में हैं। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो विजय के साथ इटली की थेरी की रिलीज के बाद इस जोड़ी को सितंबर 2016 में एक और प्रोजेक्ट के लिए श्री थिनांडल फिल्म्स द्वारा साइन किया गया था। प्रारंभ में रिपोर्ट सामने आई कि थेरी के साथ के बाद इटली महेश बाबू को निर्देशित करेंगे और पिछले 7 महीनों से स्क्रिप्ट विकसित कर रहे थे जो नहीं हुआ। इस तरह विजय को भी थिनंदल फिल्म्स द्वारा निर्मित संगमित्रा के लिए साइन किया जा रहा था, लेकिन फिल्म के रूप में शेड्यूल के
250 दिनों की मांग की, जिसे वह वहन नहीं कर सके। उन्होंने विनम्रता से इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो फिल्म ने कथित तौर पर तमिलनाडु में 120 करोड़, केरल में 16 करोड़, कर्नाटक में 13 करोड़ और भारत के बाकी हिस्सों में 15 करोड़, घरेलू स्तर पर 164 करोड़ और 260 करोड़ की कमाई की थी पूरे दुनिया भर में। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में, तो द टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रधान संपादक एम सुगंध ने फिल्म को 5 में से 3.5 रेटिंग दी और कहा, मार्शल के साथ हमें इस साल की सबसे आकर्षक मसाला फिल्म मिली है। हीरो फुल फॉर्म में है, जिसे विजय फिल्म में है, चीज़ें कैसे अलग हो सकती है। बात करें मूवी के थिएटरिकल रिलीज के बारे में, तो मार्शल को पहले 29 सितंबर 2017 को थिएटर्स के रूप में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि शंकर की 2.0 जो दिवाली 18 अक्टूबर 2017 को रिलीज होने वाली थी, व्यापक दृश्य प्रभाव के कारण देरी हुई। निर्माताओं ने फिल्म को रिलीज करने का फैसला किया। वह तारीख 16 अक्टूबर 2017 को फिल्म को AWBI से NOC मिलने के बाद कुछ कट्स के साथ CBFC से UA सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ था। बात करें मूवी के होममेड के बारे में, तो जुलाई 2017 में टेलीविजन प्रसार अधिकार जी तमिल को 30 करोड़ में बेचे गए थे। 14 जनवरी 2018 को थाई पोंगल उत्सव के अवसर पर फिल्म का वैश्विक टेलीविजन प्रीमियर हुआ था। तेलुगु और मलयालम डब संस्करण के उपग्रह अधिकार क्रमश स्टारमान और एशिया नेट द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। बाद में उदिया टीवी ने मायागर नामक फिल्म के कन्नड़ डब संस्करण के अधिकारों का अधिग्रहण किया और 13 सितंबर 2020 को अपने चैनल के माध्यम से इसका प्रीमियर किया। यह नेटफ्लिक्स और Z5 सन NXT के माध्यम से डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है। मतलब आप इस फिल्म को इस प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन देख सकते हैं। और हॉटस्टार 13 मार्च 2022 को फिल्म के हिंदी डब संस्करण का सीधे डिंचक टीवी चैनल नाम पर प्रिय का प्रीमियर किया गया था। मार्शल एटली द्वारा निर्देशित 2017 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिन्होंने भी विजेंद्र प्रसाद और यस रमना ग्रीवासन के साथ फिल्म का सहलेखन किया था। स्टूडियो के 100वें फीचर फिल्म निर्माण में तिंदल स्टूडियो लिमिटेड द्वारा निर्मित फिल्म में विजय और यस कहानी दो भाइयों के इर्द गिर्द घूमती है। एक अपने माता पिता की मृत्यु के चिकित्सा अपराधियों का बदला लेने वाला एक जादूगर है और दूसरा एक प्रतिष्ठित डॉक्टर है, जो अपने रोगियों से मामूली रकम वसूलता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो विजय ट्रिपल रोल में है, वित्रीमारन एक गांव का पहलवान और वेंट्री ऐश्वर्या और वेंट्रीमारन के छोटे बेटे, डॉक्टर वी मारन ऐश्वर्या और वित्रीमारन के बड़े बेटे हैं। यस जे सूर्या डेनियल और कियाराज के रूप में हैं।
डीसीपी रत्नावेल रेड्डी के रूप में सत्यराज, ओडिवेल ओडियू के रूप में हैं वही नित्या मेनन ऐश्वर्या, आईसी वेत्रीमारन के रूप में हैं और अनुपल्लवी के रूप में काजल अग्रवाल, सामंथा रूथ प्रभु तारा के रूप में। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो विजय के साथ इटली की थेरी की रिलीज के बाद इस जोड़ी को सितंबर 2016 में एक और प्रोजेक्ट के लिए श्री थिनांडल फिल्म्स द्वारा साइन किया गया था। प्रारंभ में रिपोर्ट सामने आई कि थेरी फेज 7 के बाद एटली महेश बाबू को निर्देशित करेंगे और पिछले 7 महीनों से स्क्रिप्ट विकसित कर रहे थे जो नहीं हुआ। इस तरह विजय को भी थिनांडल फिल्म्स द्वारा निर्मित संगमित्रा के लिए साइन किया जा रहा था, लेकिन फिल्म के रूप में शेड्यूल के 250 दिनों की मांग की जिसे वह बहन नहीं कर सके। उन्होंने विनम्रता से इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो फिल्म ने कथित तौर पर तमिलनाडु में 120 करोड़, केरल में 16 करोड़, कर्नाटक में 13 करोड़ और भारत के बाकी हिस्सों में 15 करोड़, घरेलू स्तर पर 164 करोड़ और 260 करोड़ की कमाई की थी पूरे दुनिया भर में। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो द टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रधान संपादक एम सुगंध ने फिल्म को 5 में से 3.5 रेटिंग दी और कहा, मार्शल के साथ हमें इस साल की सबसे आकर्षक मसाला फिल्म मिली है। हीरो फुल फॉर्म में है जिसे विजय फिल्म में है, चीज़ें कैसे अलग हो सकती है। बात करें मूवी के थिएटरिकल रिलीज के बारे में तो मार्शल को पहले 29 सितंबर 2017 को थिएटर्स के रूप में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि शंकर की 2.0 जो दिवाली 18 अक्टूबर 2017 को रिलीज होने वाली थी, व्यापक दृश्य प्रभाव के कारण देरी हुई। निर्माताओं ने फिल्म को रिलीज करने का फैसला किया। वह तारीख 16 अक्टूबर 2017 को फिल्म को AWBI से NOC मिलने के बाद कुछ कट्स के साथ CBFC से UA सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ था। बात करें मूवी के होममेड के बारे में तो जुलाई 2017 में टेलीविजन प्रसार अधिकार जी तमिल को 30 करोड़ में बेचे गए थे। 14 जनवरी 2018 को थाई पोंगल उत्सव के अवसर पर फिल्म का वैश्विक टेलीविजन प्रीमियर हुआ था। तेलुगु और मलयालम डब संस्करण के उपग्रह अधिकार क्रमश स्टारमान और एशिया नेट द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। बाद में उदिया टीवी ने मायागर नामक फिल्म के कन्नड़ डब संस्करण के अधिकारों का अधिग्रहण किया और 13 सितंबर 2020 को अपने चैनल के माध्यम से इसका प्रीमियर किया। यह नेटफ्लिक्स और Z5 सन NXT के माध्यम से डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है, मतलब आप इस फिल्म को इस प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन देख सकते हैं। और हॉटस्टार 13 मार्च 2022 को फिल्म के हिंदी डब संस्करण का सीधे डिंचक टीवी चैनल नाम पर प्रिय का प्रीमियर किया गया था। मार्शल इटली द्वारा निर्देशित 2017 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिन्होंने भी विजेंद्र प्रसाद और यश
रमना ग्रीवासन के साथ फिल्म का सहलेखन किया था। स्टूडियो के 100वें फीचर फिल्म निर्माण में तेंदल स्टूडियो लिमिटेड द्वारा निर्मित फिल्म में विजय और यश कहानी दो भाइयों के इर्द गिर्द घूमती है। एक अपने माता पिता की मृत्यु के चिकित्सा अपराधियों का बदला लेने वाला एक जादूगर है और दूसरा एक प्रतिष्ठित डॉक्टर है जो अपने रोगियों से मामूली रकम वसूलता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय ट्रिपल रोल में है, वित्रीमारन एक गांव का पहलवान और वेंट्री ऐश्वर्या और वेंट्रीमारन के छोटे बेटे डॉक्टर वी मारन ऐश्वर्या और वित्रीमारन के बड़े बेटे हैं। यस जे सूर्या डेनियल और किया राज के रूप में हैं, डीसीपी रत्नावेल रेड्डी के रूप में सत्यराज ओडिवेल ओडियू के रूप में हैं, वही नित्या मेनन ऐश्वर्या आईसी वित्रीमारन के रूप में हैं और अनुपल्लवी के रूप में काजल अग्रवाल, सामंथा रूथ प्रभु तारा के रूप में। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो विजय के साथ इटली की थेरी की रिलीज के बाद इस जोड़ी को सितंबर 2016 में एक और प्रोजेक्ट के लिए श्री थिनांडल फिल्म्स द्वारा साइन किया गया था। प्रारंभ में रिपोर्ट सामने आई कि थेरी के साथ के बाद एटली महेश बाबू को निर्देशित करेंगे और पिछले 7 महीनों से स्क्रिप्ट विकसित कर रहे थे जो नहीं हुआ। इस तरह विजय को भी थिनांडल फिल्म्स द्वारा निर्मित संगमित्रा के लिए साइन किया जा रहा था, लेकिन फिल्म के रूप में शेड्यूल के 250 दिनों की मांग की जिसे वह बहन नहीं कर सके। उन्होंने विनम्रता से इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बात करें मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो फिल्म ने कथित तौर पर तमिलनाडु में 120 करोड़, केरल में 16 करोड़, कर्नाटक में 13 करोड़ और भारत के बाकी हिस्सों में 15 करोड़, घरेलू स्तर पर 164 करोड़ और 260 करोड़ की कमाई की थी पूरे दुनिया भर में। बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो द टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रधान संपादक एम सुगंत ने फिल्म को 5 में से 3.5 रेटिंग दी और कहा, मार्शल के साथ हमें इस साल की सबसे आकर्षक मास मसाला फिल्म मिली है। हीरो फुल फॉर्म में है जिसे विजय फिल्म में है, चीज़ें कैसे अलग हो सकती है। बात करें मूवी के थिएटरिकल रिलीज के बारे में तो मार्शल को पहले 29 सितंबर 2017 को थिएटर्स के रूप में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि शंकर की 2.0 जोन दिवाली 18 अक्टूबर 2017 को रिलीज होने वाली थी, व्यापक दृश्य प्रभाव के कारण देरी हुई। निर्माताओं ने फिल्म को रिलीज करने का फैसला किया। वह तारीख 16 अक्टूबर 2017 को फिल्म को AWBI से NOC मिलने के बाद कुछ कट्स के साथ CBFC से UA सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ था। बात करें मूवी के होममेड डे के बारे में तो जुलाई 2017 में टेलीविजन प्रसार अधिकार जी तमिल को 30 करोड़ में बेचे गए थे। 14 जनवरी 2018 को थाई पोंगल उत्सव के अवसर पर फिल्म का वैश्विक टेलीविजन प्रीमियर हुआ था।
तेलुगु और मलयालम डब संस्करण के उपग्रह अधिकार क्रमश स्टारमान और एशियानेट द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। बाद में उदिया टीवी ने मायागर नामक फिल्म के कन्नड़ डब संस्करण के अधिकारों का अधिग्रहण किया और 13 सितंबर 2020 को अपने चैनल के माध्यम से इसका प्रीमियर किया। यह नेटफ्लिक्स और Z5 सन NXT के माध्यम से डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है, मतलब आप इस फिल्म को ही इस प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन देख सकते हैं। और हॉटस्टार 13 मार्च 2022 को फिल्म के हिंदी डब संस्करण का सीधे डिंचक टीवी चैनल नाम पर प्रिय का प्रीमियर किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।